इस फिल्म के पात्र घटनाएं और कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जाति जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है और यदि है तो वो काल्पनिक है। मिलॉर्ड, मुल्ज़िम नटवर शाह ने कानून के दायरे में रहकर कानून को तोड़ा है, देश की जनता के विश्वास का खून किया है। ना जाने कितने गरीब और मासूम लोगों को कंगाल करके उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया है। मुल्ज़िम नटवर शाह पर 2500 करोड़ रुपयों की हेराफेरी का इल्जाम है। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि कम से कम 1 महीने तक अदालत मुल्ज़िम को पुलिस रिमांड में रहने की इजाजत दे ताकि करोड़ों रुपयों के इस गबन का राज फाश किया जा सके और देश की मासूम और निर्दोष जनता के साथ इंसाफ हो सके। That's all, my lord. केस की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरखास्त मंजूर करती है और मुल्ज़िम को चीफ मिनिस्टर साहब की निगरानी में रहने का हुक्म देती है। सॉरी सर, इसके आगे आप नहीं कह सकते। आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब, आप मेरे बुलाने पर मुझसे मिलने चले आए। आना ही पड़ेगा मिस्टर शाह, क्योंकि आप हमारे खास मेहमान जो ठहरे। कहिए कैसे याद किए? आपसे खास बात करनी है अकेले में। आप तो जानते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के मेरे ऊपर कुछ 2500 करोड़ रुपए गबन करने का इल्जाम है। अब ये इल्जाम कितना सच है कितना झूठ है इसे साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा, और अगर ये सच है भी तो इतनी बड़ी रकम है कहां, इसे ढूंढने में तो बहुत वक्त लगेगा। समय तो बहुत है हमारे पास मिस्टर शाह, आप समय की चिंता ना करें। देखिए चीफ मिनिस्टर साहब, मामला 2500 करोड़ का है जिसका आधा होता है 1500 करोड़। हिंदुस्तान की 80 करोड़ की आबादी में शादी को हिंदुस्तानी है जिसके पास इतना पैसा होगा, आपके पास हो सकता है। अगर आप मुझे यहां से विदेश निकाल दें तो क्या कहते हैं आप? इतना क्या सोच रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, मौका दरवाजा एक ही बार खटखटाता है। कैसा लगा हमारा जवाब? नटवर शाह, तुम बहुत ही कमजोर आदमी हो, जब औरत लाचार हो जाती है तो पेशा करने लगती है और जब मर्द कमजोर बन जाता है तो तुम जैसा मुजरिम और बेईमान हो जाता है। तुम चाहते हो कि 1500 करोड़ रुपया लेकर हम 80 करोड़ लोगों के विश्वास का खून करते हैं, देश की गरीब और भूखी जनता को और गरीब और भूखा बना दे। तुम जिस दौलत को अपनी समझ कर कब्जा किए बैठे हो वो दौलत तुम्हारी नहीं है बल्कि उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगी भर की जमा की हुई पूंजी है, और हमने अपने आप से वादा किया है कि जब तक तुमसे 2500 करोड़ की एक एक पाई का हिसाब नहीं ले लेते हम तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे नटवर शाह। मैं
कुछ हुआ डीसीपी साहब? बहुत मुश्किल है। सच तो यह है कि नटवर शाह को वहां से निकालना नामुमकिन है। क्यों? चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी सिक्योरिटी का इतना कड़ा इंतजाम कर दिया है कि वहां तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि और कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है। इस नामुमकिन काम को सिर्फ दो ही आदमी मुमकिन बना सकते हैं। कौन? एक तो खुद चीफ मिनिस्टर साहब, और दूसरा तेजेश्वर। चलो। जमीन पर लेट जाओ। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए। ओह सर, आप इस दुकान में पार्टनर है क्या? अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है। अच्छा अच्छा, आ गया हसमुख, आ गया आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। हाँ मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं। तू अपनी आधी पगार मुझे देगा? पागल हो गया, पागल हो गया, हे भगवान, मेरा दोस्त पागल हो गया। अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया। कैसे? मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था। क्या? हाँ। किसको? ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था। हाँ। उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको। कॉन्ग्रेचुलेशन। ए अंडो पांडो। यस सर। ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो, बर्बाद हो गया, और तू मिठाइयां मंगवा रहा है। अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है, और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा, जीना तो छोड़ो पीने नहीं देगा। कम छूट 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 अब पुलिस वाला है अपना। तेजेश्वर, ये प्रवीण भाई। हाँ जानता हूँ जानता हूँ, इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसका काम हो जाएगा। कैम छो भाई, रोकड़ा कितना मिलेगा? अगर आप लोग मेरे भाई को इस देश से निकालकर बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, तो आपकी 70 पुश्तों तक किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा एडवांस। मामा मियो, सेक्स सेक्स ना। क्या आप लोगों को यह उम्मीद है कि आप लोग ये काम पूरा कर पाएंगे? उम्मीद? उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि
हमारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। क्या चाहते हो तुम लोग? खूब मजे उड़ा लो हराम दादो, खूब मजे उड़ा लो, लेकिन एक बात याद रखना, जुर्म के धागों से जो जाल तुम बुन रहे हो, एक दिन उसी जाल में तुम सब फंसने वाले हो। अबे ओए गधे, जिस जुर्म के लिए हमें तेरी मदद की जरूरत है, जिसके लिए हम तुझे अगवा करके लाए हैं, वो जुर्म हम तेरे कानून के सामने करेंगे और तेरा कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब मुमकिन तो तब होगा ना जब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम चाहे हमें जान से मार डालो, लेकिन देश के साथ जो गद्दारी तुम हमसे करवाना चाहते हो वो हम हरगिज नहीं करेंगे। बहुत हो गया खेल तमाशा। डिस्टिंग्विश डॉक्टर्स, और से देखो बे, ये माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन्हें बड़ा जोश है अच्छे काम करने का, और हमें भी बड़ा जोश है बुरे काम करने का। तुम लोगों की जिंदगी और मौत अब मेरे हाथों में नहीं है, खुद तुम लोगों के हाथों में है। जितनी जल्दी तुम लोग हमारा ये काम करोगे, उतनी जल्दी तुम लोग अपनी बीवी और बच्चों से मिल सकोगे। अबे चिकने मान ले। अब मजा आएगा सारंग, सिक्का सरकार का होगा और राज हमारा। आज के बाद सब काम धंधे बंद। हाँ, अब हमें सिर्फ एक ही काम करना होगा। क्या? 24 घंटे हमारी आंखें चीफ मिनिस्टर पकड़ी रहेंगी। गधे कुत्ते, कोई दिन मैं तेरी गर्दन मरोड़ के जान ले लूंगा तेरी। कभी गरम चाय में मेरी उंगली डाल देता है, कभी फ्रिज का ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल देता है। अबे तू मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा कुत्ते? अच्छा कुत्ता बोलता हूं तो भड़कता है? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मेरे नालायक बेटे तुझको उठाकर लेकर आए
और मैं तेरी हिरनी जैसी सूरत देख के धोखा खा गया और तुझे घर में रख लिया। मगर मंगूस की औलाद, मुझे पता नहीं था कि तू जिसका नमक खाएगा एक दिन उसी को दांत दिखाएगा। बे ओ खुसट, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। चल अभी मत इधर, मैं तुझसे बात नहीं करता। मसाला लाने के लिए गोद में आके बैठ गया। ए बेटा, तुझे जमाई आ रही, मेरी बात तो सुन ना, तू थोड़ा सुधर जाना। वैसे ही अपना नालायक बैठू तो परेशान रहता हूँ, तू सुधर जाएगा ना तो मेरे दिल का आधा बोझ उतर जाएगा। सुधर जाएगा ना बेटा, सुधर जाओगे ना। जा जा बेटा जा। अरे देखो नालायक सुसू करके चला गया। अरे छोड़ ना माँ, 10:30 बज गए, ये तेरे नालायक पोते अभी तक बिस्तर में पड़े हुए होंगे, आँख तक नहीं खुली होगी उनकी। बात है साहब, हर बात पे मेरे पोतों को नसने के लिए फन फैलाए खड़ा रहता है। अरे वो तो कब के कॉलेज चले गए। क्या चले गए? हाँ आज क्या कहते हैं उनका वो रिजल्ट है ना, इसलिए। पर मैं एक बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी मिट्टी के बने हुए तेरे पोते? शरारत में 1 नंबर तो पढ़ाई में भी 1 नंबर, हमेशा 90% 95%। साहब गुन्नू और मुन्नू के कॉलेज से फोन आया है। हाँ? हेलो, यहाँ बोल रहा हूँ। नहीं मगर अच्छी बात है। अच्छा जी, कमाल, ये प्रिंसिपल साहब परसों तो नाश्ते पाए थे, आज मुझे कॉलेज बुलाया, वो भी पहली बार। अरे बुद्धू, इस बार पहले से भी ज्यादा नंबरों से पास हुए होंगे मेरे पोते। हाँ मतलब क्या 95 से भी ज्यादा ले लिए? एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर। शुक्रिया। लेकिन सुनिए, क्या बात है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। आप कैसे प्रिंसिपल हो सकते हैं? What do you mean? नहीं, गुज़िश्ता 2-3 साल से तो कोई और प्रिंसिपल साहब मेरे घर पर आ रहे हैं। लेकिन आप कौन है? जी, मेरा नाम हसमुख राय और मैं बुन्नू और मुन्नू का डैडी हूँ। आप मुन्नू और बुन्नू के डैडी? जी, आपको कोई शक है? क्योंकि पिछले 3 सालों से जिस आदमी को अपने डैडी बना के ला रहे हैं वो कोई और आदमी है। और मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको बता सकूं कि मैंने आपके दोनों बेटों को कॉलेज से निकाल दिया है, वो इसलिए कि पिछले 3 सालों से वो लगातार फेल होते चले आ रहे हैं। कैसी बात करते हैं सर, वो तो बहुत हाई रैंक और 90% 95% ऊपर मार लेते हैं और आप कहते हैं। दरअसल आपके बेटों ने आज तक अभी 9% ऊपर मार्क्स लिए ही नहीं। जी अशोक, विजय, कम हियर, देखिए इनको देखिए, हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट, इस साल दोनों ने 98% मार्क्स लिए। इनके साथ मारपीट करके आपके बेटे इनकी मार्कशीट छीन कर ले गए और मेरे ऑफिस से बेस्ट स्टूडेंट की शील्ड वो भी चुरा कर ले गए। अब समझाओ मार्कशीट और शील्ड वो दोनों कहां से लाते हैं? बोलो मुन्ना। दादी, दीदी, दादी आ गए मेरे बच्चे। देखो बेस्ट शील्ड मिली हम दोनों को, हिबे पूरे, हिबे पूरे, और अब हमें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। डैडी हमें गले से लगा लीजिए ना डैडी, जानते हैं इस बार हम लोग कितने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं? 98%। और ये देखिए मार्कशीट मेरे लाल। सिर्फ एक सवाल गलत हो गया। अरे रे, हाँ, वरना 100 में से 100 मिल जाते ना तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता मालूम। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या चीज है, आज देखना, आज तो बहुत कुछ टूटने वाला है। अरे लो प्रिंसिपल साहब भी आ गए, लगता मुझे मुबारकबाद देने आया। आइए सर आइए। मुबारक हो राय साहब, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या औलादे पैदा की हैं आपने। अरे ये दोनों तो हीरे हीरे नगीने, आपके घर की आन, हमारे कॉलेज की शान। बहुत ज्यादा तो मुझे अच्छा लग रहा है। बोलिए सर। मैं किसी से कहता हूँ कि मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? वही कॉलेज जिसमें मुन्नू और पुन्नू पढ़ते हैं। मार्कशीट देखिए, आपने मार्कशीट देखी? 98%। मिठाई खिलाइए राय साहब इस बात पर। तो सर आपको तो मिठाई खिलाने के लिए मैं सुबह से बेकरार हूँ। चलिए ऊपर चलिए। डैडी आप सिर्फ प्रिंसिपल साहब को मिठाई खिलाएंगे? हाँ, और हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोगों ने खिलाए? नहीं बेटा, ये बुजुर्ग है ना, पहले इनका हक होता है, इनका थोड़ा पेट भर दूं, उसके बाद तो तुम दोनों की ही बारी है। मुबारक जीते रहो, शाबाश। ऊपर तशरीफ ले चलिए। राय साहब, मैं जानता हूँ कि कुछ साल पहले आप बॉक्सर थे, मगर इस वक्त ये ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं आप? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि पहले आप चोर थे और पिछले 3 साल से कॉलेज में मेरे बच्चों के बाप बन के जा रहे हैं, और पिछले कई साल से यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आज के बाद किसी और के बच्चों का बाप बनना तो एक तरफ,
आज के बाद तुम्हें खुद के बच्चों का बाप बनने में भी शर्म आएगी। डैड, आपने हमारे प्रिंसिपल साहब को मारा। अब उनके स्टूडेंट्स का नंबर है। नहीं डैड। अरे क्या कर रहे हो मोरे लाल को? तोरे लाल को नीला कर रहा हूँ। हसमुख। अरे कहाँ है कहाँ हसमुख? ये चेहरे से हंसी इतनी दिन गायब हो गई थी जब ये हरामखोर पैदा हुए थे। तुमको खबर है ये हरामखोर पिछले 3 साल से लगातार फेल हो रहे। क्या? हाँ, ये जो शील 9 इंची नहीं है वो चुरा के लाए, और जो मार्कशीट है वो भी इनकी नहीं है। एक बढ़िया स्टूडेंट से छीन के लाए हरामखोर। चोरी के? हाँ, ये देखो इनकी असली मार्कशीट हम दिखाते हैं। ये इसको 9 मिला है, इसको 10 मिला है, एक नंबर ज्यादा मिला है। मत पहले उसको सच बोल रहा है वो। अरे अगर आप बोल रहे हैं तो हम भी अगर अरे बहुत ज्यादा यहाँ पे बंदूक आ गई बाप। ओके भाई दादी गोली तो नहीं लगी। भाई साहब आप लोग सीधे जा रहे हैं क्या? नाकी सीध में टेढ़े चल के बहुत फंस गए भैया, इसलिए अब सीधे ही चलने का फैसला किया है नाक की सीध में। भाई साहब मुझे इधर आगे छोड़ देंगे, मेरी गड्डी खराब हो गई है। आपका ये ड्राइवर गाड़ी तो ठीक से चला लेगा ना? फिकर मत कर, ये प्लेन भी चला लेता है, लेकिन तुम इतने डरते क्यों हो? क्या है भाई साहब, मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, मैंने अब तक लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, पहली बार करने जा रहा हूँ, लड़की देखने जा रहा हूँ अपने लिए। किस लड़की पे जुल्म करने जा रहा है मेरे भाई? के? इसका मतलब है तुम लड़की देखने कहाँ जा रहे हो? यहाँ पास में एक छोटा सा हिल स्टेशन है संगमपुर। वही लड़की कैसी है? उसको तो मैंने अब तक देखा ही नहीं। इसका मतलब तुमने अब तक लड़की को देखा ही नहीं? जी मैंने क्या, अब तक उसने भी मुझे नहीं देखा है। और लड़की के घर वालों ने? उन्होंने भी अब तक नहीं देखा है। दरअसल क्या है कि रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने तय कर दिया था, चाइल्ड मैरिज। भाई साहब आपका नाम क्या है? उल्लू। कूल नेम बता उल्लू। इसका मतलब है पूरा नाम बता। गुलशन कपूर। गुलशन कपूर लिख। अच्छा भाई साहब आपके पिताजी का नाम क्या है? हीराचंद कपूर। लिख। दिल्ली वाले, ये भी लिखना भाई। लिख। अच्छा भाई साहब आप रहते कहाँ हैं? मुंबई में। लिख। अच्छा ये जो लड़की है ये संगमपुर की है ना? नहीं नहीं, ये है तो मुंबई की लेकिन संगमपुर में आई है। इनका बड़ा फार्म हाउस है जी, बहुत बड़े लोग हैं ये। लिख लिया भाई साहब, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों लिख रहे हैं CID की तरह? ये आप लोग हंस क्यों रहे हैं? पता नहीं आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गर्दन तक जमीन में धसे हुए हैं। तुम लोगों से लिफ्ट लेकर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। अरे बेशक मुझे ये तो बताओ कि तुम इसे चाहते क्या? कुछ खास नहीं, ऐसे ही 10-15 दिन का आराम। डैडी ने हमें घर से जो निकाल दिया है इसीलिए अब लड़की देखने हम जाएंगे। ये होगा गुलशन और मैं हूँगा इसका दोस्त रंजीत। देखो भैया मैं अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं अंदर ही जोड़ रहा हूँ। भाई मेरे मुझ पे ऐसा जुल्म मत करो, आज मैं अपनी जिंदगी की पहली खुशी देखने जा रहा था। तो इससे हमारे दुख का क्या ताल्लुक? और वैसे भी हम इतने कमीने नहीं है, हमने तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किया, ये रहा तुम्हारा जूस और ये रहा तुम्हारा दूध, और बाकी दिन भर के जितने जरूरी काम होते हैं ना वो जमीन के अंदर ही कर लेना। ओके बाय गुल्लू। अरे मेरे कपड़े दे दो। अरे मैं नंगा कैसे आऊंगा? बजरंगी। ओए बजरंगी आजकल तू बड़ी रफ गाड़ी चलाता है, तो हम बुरा है। ओ यार ठीक तो बड़ा अच्छा है, बस खाना भी इसी तरह अच्छा बनता हो। हाय। तुम लोग ये समझ रहे होगे कि तुम मुझे बुद्धू बना लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि मैं तुम लोगों को पहचान चुकी हूँ। जी, 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 जी हाँ, तुम लोगों में से
तुम गुलशन हो और ये जरूर तुम्हारा दोस्त होगा। तो क्या नजरें पाई है आपने, क्या पहचान है आपकी। ये मैं इसका दोस्त रंजीत हूँ और ये हमारा दोस्त शक्ति है। सो क्यूट। सुन यार, ये लड़की थोड़ी उम्र में बड़ी लगती है। थोड़ी पागल, ये बहुत बड़ी है। मगर तुझे कौन सी इसके साथ शादी करनी है यार? तुमने कुछ कहा? जी हम कह रहे थे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। ओहो, बात दरअसल ये है कि आज तक तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। बेटा बेटा सुना, लक्ष्मी बेबी तैयार है, उसे जल्दी निकल। बच गया बेटा, ये लड़की नहीं लड़की की कोई रिश्तेदार लगती है, लड़की तो ऊपर तैयार हो रही है। तू इस ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही है कि तुझे देखते ही लड़का अपने होश खो बैठेगा और फौरन शादी के लिए हाँ कर देगा। लड़की कौन सी है बुन्नू? क्या बकवास करता है, ये दोनों लड़कियां हैं। मेरा मतलब है मेरी वाली कौन सी है? अरे जो मेरी वाली है उसकी बाजू वाली तेरी वाली है। मेरा मतलब है बेबी कौन है? बेबी जो भी हो, मगर ये जो हरी वाली है वही मेरी वाली है। थैंक गॉड, पहली बार हमारी पसंद अलग अलग हुई है। तुम्हें देखने कौन सा लड़का आया है ये तो पता नहीं, मगर लड़के दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, अरे ज्यादा ठीक कौन सा है? वो जो आंटी के पास खड़ा है ना, वो अच्छा है। जो तुम्हें देखने आया है वो वही हो, क्योंकि उसका दोस्त मुझे कुछ ज्यादा ही ठीक लगा। अरे बेटी उधर क्यों खड़ी हो, इधर आओ ना। हेलो बेबी, इनसे मिलो, ये गुलशन है। बेबी दरअसल आंटी जी, गुलशन तो ये है, मैं तो इसका दोस्त हूँ रंजीत। अभी तो बाहर कहा था कि ये। I'm sorry but आपने इतने विश्वास से हमें कहा कि आपने हमें पहचान लिया, और वैसे भी हम दोनों ना बड़ों की बात नहीं करते। मैम साहब, इनके डैडी का फोन है। डैडी? तेरे नहीं, मेरे डैडी का फोन है। उनको टेंशन हो रही है कि मैं पहुंचा कि नहीं। एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड प्लीज। थैंक यू जी। हेलो, ओ मेरे गुलशन पुत्र, ओ मेरे गुल्ली गुल्ली, ओ ठीक ठाक पहुंच गए ना बेटा? हाँ जी डैडी जी, मैं पहुंच गया। ओए तेरी आवाज नू की होया बेटा। ओ डैडी जी क्या हुआ कि रस्ते में मैंने फटे हुए दूध की चाय पी ली थी, अभी नमक के गरारे करूंगा मैं, ठीक हो जाऊंगा। ओए अच्छा, कोई बात नहीं, कल वापस आ जाना। हाँ जी। अच्छा ओके बाय। क्या आप कल कानपुर जा रहे? तो मैं दो तीन दिन यही रुक जाता हूँ डैडी। अच्छी कैसी नहीं लगेगी, आंटी जी बहुत अच्छी है। हाँ जी, वो भी बहुत अच्छी है। प्रिया, मुझे ये लड़के कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालू लगते हैं, मेरा भी यही ख्याल है। Let's begin by sitting up tall with your legs opened out to the side as wide as you can without straining. Your back is straight, pull up from your hips, press your knees into the floor, point your toes, place the hands on the floor in front of you, and gently rock your hips forward. Feel as though your pelvis is tilting forward. Yeah, yeah, yeah. कल से हम भी सुबह जल्दी उठेंगे। ये एक्सरसाइज कितनी अच्छी चीज होती है। यार पता नहीं था, अब हम भी जल्दी उठेंगे और रोज इनको एक्सरसाइज करते देखेंगे। यही वो देख रही। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह पता है तुम लोग क्या देख रहे हो। ऋतु, मुझे लगता है ये लड़के जरूरत से ज्यादा चालू और बदमाश है। देखो साली जी, ऐसा मत बोलो, मैं इनका होने वाला वो हूँ। तुम ये भी नहीं हो और वो भी नहीं, मुझे तुमसे शादी हरगिज नहीं करनी और मुझे भी नहीं करनी। ये मेरी वाली का नाम क्या यार? तेरी वाली का क्या, मुझे तो मेरी वाली का नाम नहीं पता यार। हम लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ है यार, कल से यहाँ रुके हुए और अभी तक हम लोग ने लड़कियों का नाम तक नहीं पूछा। तो चल पूछ लेते हैं। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो पता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो पता, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता। ओए होए 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 होए, ओ नाम के दीवाने तू, काम तो बता।
वाली तेरा नाम तो बता। हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। और देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। पहली मुलाकात मिलन की नहीं खुलती, हर अजनबी पे दिल की ये खिड़की नहीं खुलती। खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती। दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। ओ भाई साहब कहाँ घुस जा रहे हो, लाइन में आवा। मैं कोई सिनेमा का टिकट खरीदने नहीं आया हूँ, दो लाइन लगाओ। अपना कर्ज वसूल कर रहा हूँ, उधार दिया बुल्लो और मुन्ने को। अरे हो मुच्छड़ की औलाद, एक तो उधार देकर मेरे बेटों को बर्बाद करता है, ऊपर से ऊंचे सुर में बात करता है। अरे और तुम लोग ये क्या भिखारी की तरह लाइन लगा के खड़े हो, चलो निकलो यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा किसी को, आउट आउट। अरे भाइयों ये तो अपने बेटों से भी बड़ा चालू है, जूता मारू और खींच के अभी। अरे खुद भिखारी है दूसरों को भिखारी कहता है। तेरा बाप भिखारी? अरे ये तो नंगा आदमी है नंगा, इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपने पैसे बुन्नु और मुन्नु से ले लेंगे। चलो चलो हसमुख रॉय हसमुख रॉय। ऐसे मेरे बेटे हर रोज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, ये दो टके के लोग मेरे घर पे आते हैं और मेरे लिए मुर्दाबाद के नारे लगा के चले जाते हैं। शहर में एक दुकान ऐसी नहीं बची जहां से उन्होंने उधार नहीं लिया हो, 800 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं कम वक्त। अरे 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 हिम्मत से काम ले हसमुख, हिम्मत से काम ले। अरे जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना तुझे। अरे क्या बोया जो मैं ये दिन काट रहा हूँ यार, सुखी तो तू है जो भगवान ने तुझे एक बेटी दी है, मुझे भी अगर दो बेटियां देता ना तो मैं सुखी हो जाता। हाँ जरूर सुखी हो जाता, तुझे दो बेटों की जगह दो बेटियां मिलनी चाहिए थी, जैसे तेरे दो बेटे वैसी, फिर तेरा सफेद मुंह काला हो जाता और तुझे फांसी लगाकर खुदकुशी करनी पड़ती और तेरी लड़कियां सारे शहर में आग। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं, कुछ भी बकवास करता रहता है। अरे हाँ का पट्टा जगह के लिए आया था तू? अरे हाँ मैं काय के लिए आया था, मैं कुछ काम के लिए आया था लेकिन मैं भूल गया मैं किस लिए आया था। अबे तू अपना इलाज करा क्यों पुलिस डिपार्टमेंट का सत्यानाश करता है यार। अच्छा प्रिया बेटी कैसी है? अरे हाँ याद आया, उसी के लिए तो आया था मैं। हंसता भी ऊपर से। प्रिया बेटी सहेली के साथ संगमपुर गाँव गई है, दो दिन में आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई, इसीलिए तो जा रहा हूँ। तेरी वो बड़ी वाली कार चाहिए मुझे, बड़ी वाली। एक मिनट क्या हो गया? बड़ी वाली कार? बड़ी वाली कार में तू बेटी को लाने जा रहा है या अपनी महबूबा को मिलने जा रहा है? अबे खुसट शर्म कर, इस उम्र में तू महबूबा पालता है तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तूने उसे देखा नहीं है। मुझे देखना भी नहीं है, देखने से पता चलता है कि तूफान को किसी कपड़े में कैद करके रखा है। तंबू के जैसे? अरे तंबू नहीं, कयामत है कयामत। शॉर्टकट में एक बात बोलो, तू उसे देखेगा ना तो तेरी भी नीयत खराब हो जाएगी। मेरी? मैं तेरी तरह खोखला नहीं हूँ। अच्छा सुनो वाला आदमी हूँ। मैंने आज तक किसी औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा है। अरे देखेगा भी कैसे, तेरे बच्चे तुझे दूसरी तरफ आंख उठाकर देखने का मौका देंगे तब देखेगा ना तू। ये बात कहूँ दोस्त? क्या मेरे बेटे लाख बदमाश सही लाख शरीर सही, मगर वो रहते हैं तो इस घर में रौनक रहती है, चले जाते हैं तो ये घर काटने को दौड़ता है। 7 दिन हो गए चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग। अरे यार रामी पांडर कमीने
सिरन बुझाने के लिए यही एस्टे मरी थी क्या? दुनिया वाले कहते हैं कि कुत्ता ही सबसे ज्यादा वफादार जानवर है, पर सारे तो उसका भी प्यो है। पिछले 6 दिन से बंगले पर पहरेदार बन के बैठा है, मुझे अंदर बढ़ नहीं देता। अबे बंदर की औलाद, उस कुड़ी से मेरी शादी होने वाली है। पता नहीं तेरा मालक उसके साथ इस वक्त क्या कर रहा होगा जी। अरे प्रिया, आज तो अपने कमरे में नहीं सोए? चल अच्छा है, साथ लेके कुछ बातें करेंगे। अब कुछ बात करना रितु, चेहरा दूसरी तरफ करके क्यों सो रही है? मेरी तरफ घूम। प्रिया मैं सोच रही हूँ कल आंटी को जाकर कह दूँ कि मैं गुलशन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू क्या कहती है? लड़के तो अच्छे हैं और मेरा ख्याल है हमसे प्यार भी बहुत करते हैं। क्यों? तभी तो 7 रोज होने को आए और अभी तक जाने का नाम नहीं लिया। और मुझे लगता है जब तक हम इनसे नाराज रहेंगे ये यहाँ से जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रिया क्या एक बात सच कहूँ? कहो। पहली बार किसी को देख के दिल में कुछ हुआ है? मेरा भी यही हाल है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। और अरे ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, एक मोटर सा चूहा हुआ गुस्सा था कमरे में, भगा दिया। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, लाइट बंद करके सो जाओ तुम लोग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिल का हाल जानने आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। चला जाऊंगा मगर एक पप्पी तो था। ओके, सिर्फ एक। प्रिया, प्रिया बेटी कहाँ हो? तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मेरा मतलब है ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैं वो प्रिया बेटी को लेने आया हूँ। बच्चे बाहर घूमने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। मतलब घर में कोई नहीं है? क्यों 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 नहीं, मैं जो घर में हूँ। प्यारे आज बड़ा अच्छा मौका है, आज बात नहीं कर सका तो फिर कभी नहीं कर सकेगा। अनु जी, वो रितु को देखने जो लड़का आया था वो पसंद आ गया रितु को? जी हाँ, लगता है शादी जल्दी ही हो जाएगी। चलो अच्छा है, लेकिन रितु के शादी के बाद तो आप बिल्कुल अकेली हो जाओगी। किया भी क्या जा सकता है। नहीं वैसे प्रिया के शादी के बाद मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल अकेला और तन्हा हो जाऊंगा, सुना सुना घर काटने को दौड़ेगा। इसीलिए तो मैं दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं क्या? क्या करूँ, दिन भर मुजरिमों के पीछे भागता हूँ, रात को घर आने का कोई बहाना तो होना चाहिए ना। शॉर्टकट में एक बात बोलूँ, नो लाइफ विदाउट वाइफ। कोई लड़की देख रखी है क्या? पिछले 2 साल से देख रखी है, 50% बात भी तय हो चुकी है। 50%? जी हाँ, 50% मेरी तरफ से, 50% बची है उसकी तरफ से। तो फिर उसे आप पूछ क्यों नहीं लेते? क्या करूँ, अब डर लगता है कहीं नाराज ना हो जाए। मर्दों में यही तो सबसे बड़ी खामी होती है, बिना बात के डरते हैं। अनु जी मैं यही तो कह रहा। शायद बच्चे आ गए। नालायकों को इसी वक्त आना था। अरे आ गए तुम लोग, प्रिया तुम्हारे डैडी आए हैं। क्या? हाँ। आप कब आए? अभी अभी बेटी, अभी अभी। नमस्ते नमस्ते बेटी। नालायकों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप ही नहीं जानते अंकल? अरे बहुत अच्छी तरह, कमीने कहीं के, हफ्ते भर से गायब है दोनों। तुम दोनों को मालूम है तुम्हारे डैडी तुम्हारी वजह से कितने परेशान है? इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम तो बोलकर भी आए। देखिए ना, खामखा लोग बोलते हैं कि दुनिया बड़ी है, अब आप ही देख लीजिए, आप गुलशन को भी जानते हैं। गुलशन? रंजीत को भी जानते हैं। रंजीत? और इनके डैडी हीराचंद को भी जानते हैं। हीराचंद? ये हीराचंद कौन है? अंकल जी आपकी कमाल की भूलने की आदत है। कल ही आप हमारे डैडी से मिले। लो अभी आप पूछ रहे हैं कि हीराचंद कौन है। नहीं लेकिन उस हीराचंद का तुम्हारे डैडी से क्या ताल्लुक है बुन्नू? 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 ये बुन्नू कौन है? ये बुन्नू
ये क्या चक्कर है मुन्नू? मुन्नू ये देखिए आंटी अंकल मुझे भी गलत नाम से पुकार रहे। अंकल मेरा नाम मुन्नू नहीं है, रंजीत है। रंजीत? अरे ये तो बजरंगी है ना, या और कोई है? अंकल ये तो बजरंगी है और ये गाड़ी भी स्टार्ट कर चुका है। क्यों? इसलिए कि हम लोग कभी यहाँ से भागना है। अनु जी मुझे लगता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? हाँ, ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हसमुख के लड़के हैं, गुलशन और नहीं मेरा मतलब है बुन्नू और मुन्नू। डैडी डैडी तो फिर आ गया बदमाश। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मुझे मारना चाहता है मार लीजिएगा, मगर पहले बुन्नू को बचाइए, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। क्या? और उसकी याददाश्त चली गई है। पहले नहीं की जोड़िया गोरिया जाने मन की बतिया हमारे। क्या हो गया तुझे? एक मिनट माँ, एक मिनट ठहर जरा। यार ये कैसा एक्सीडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजे पर चढ़ गई और ये बेचारा पागल हो गया। और हम पागल नहीं हुए। देखिए सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे जाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे ही खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ रात में। बड़ी कलेजे में ठंडकते रहे और मार इसे। अरे माँ मैं कोई लोगों को दुश्मनी से थोड़ी मारता रहता हूँ, औलाद ज्यादा बिगड़ने जाए इसलिए मार देता हूँ। क्या अब भी विश्वास नहीं करेगा? जा डॉक्टर को बुला जा। नहीं नहीं मैं अभी डॉक्टर को फोन करता, अभी करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे मुन्नू, क्या हो गया तुझे? कहाँ है तुम्हारे साहब? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। मुझसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? गलती आपके बेटों ने की है। जानते हैं उन्होंने क्या किया है? पिछले 7 दिनों से उन्होंने मुझे और मेरी भांजियों को बेवकूफ बना रखा है। वो तो ठीक है मुन्नू, मगर पागल की एक्टिंग करते करते कहीं मैं सचमुच पागल ना हो जाऊं रे। तू हो या ना हो, डैडी जरूर पागल हो जाएंगे। डैड देख देख, बुन्नू कुछ याद आया, ये डैडी है। डैडी? ये डैडी क्या होता है? डैडी मेरे जैसा होता है बेटे, एक बहुत बड़ा गधा होता है जो अपनी औलाद का बोझ अपने सर पे उठाता है। कुछ याद आया बेटे? नहीं डैडी, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत थक गया होगा ना बेटी, नीचे आ जाओ, सब याद आ जाएगा। आ जाओ। बेटा ऊपर लेकर आता है, बाप नीचे लेकर जाता है, तो चलो नीचे चलते हैं। हम किधर करते हैं का? धीरे धीरे रे संभाल के संभाल के। कुछ याद आया? नहीं। तो फिर ये तेरी आंखें क्यों फैल गई? बस यूं ही फिर गई डैडी। डैडी आधी याददाश्त वापिस आ गई ना, आधी मैं वापिस। नहीं नहीं नहीं, नहीं डैडी, मरीज को मत मारो। मरीज? अरे मरीज तुम्हें, तुम दोनों को। आंटी जी हम लोगों ने जो गलती की उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए, हमारे डैडी बहुत गर्म है, आप उन्हें ठंडा कर दीजिए ना प्लीज। क्या इस बार बड़ी मुश्किल से घर में घुसा है आंटी जी, कुछ कीजिए वरना डैडी हमें फिर से घर से निकाल दे। यही सजा है तुम लोगों कि तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। और तुम लोग भूखे प्यासे सड़कों पे ठोकरे खाओ। मैम साहब इतने गए गुजरे भी नहीं हम लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं। तो सुनो बेटा, आज के बाद मेहनत और मजदूरी करके तुम अपना पेट पालना। ये आप बोल रहे? तुम 2 रुपया मुझे कमा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों। आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? हाँ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितने निकम्मे और नाकारा तुम लोग, और फिर इतने शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में जाकर इतनी घटिया हरकत की शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, हम लोग उनसे प्यार करते हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? अब अल्फाज नहीं मिल रहे तो जाने दीजिए ना। अच्छा क्या बोला? निकल निकल बाहर। ए डैडी हम कोई कचरा नहीं है जो आप घड़ी घड़ी उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। अबे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुकुम चलता है, जो मेरे हुकुम में नहीं चलता वो बाहर जाता है। आपका घर? डैडी आज तक हम इसे अपना घर समझते रहे, मगर आज
आज आपने हमारी आंखें खोल दी आंखें। आज से हम अपने पैरों पर खड़े रहकर दिखाएंगे। आप हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, तब भी हम वापस नहीं आएंगे। इस बातें पे अटल रहना। मैं तो मजाक कर रहा था। चलो बाहर निकलो। ओके 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 आंटी, बाप और बेटों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चल बजरंगे। देखा, बंदर समझता है लेकिन आप नहीं। डेरे डेरे रे। कदरदान साहिबान, जो लोग चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, टोपी पहन के धोखा देते हैं और पैसा लेकर जान लेते हैं, उनसे तो भला मेरा बंदर है, जो अपना और अपने उस्तादों का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है। तो बचालो, बजाओ मेरे बंदर के नाम पे ताली। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, है नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर। बॉस देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, ए मारे तो धर्मिंदर, ए नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर। गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर। लड़की से शर्माता है, शादी से घबराता है, चोरू सामने आते ही सर किसका झुक जाता है, मेरा ये तावीज पहन कर जवां मर्द बन जाता है। ये जगाता है, नींद ये बढ़ाता है, दर्द ये मिटाता है, काम ये बनाता है, नौकरी दिलाता है, लॉटरी लगाता है, अच्छे नंबर से बच्चा पास हो जाता है, आता है कितने काम, एक रुपया है दाम, वो भी महंगाई बढ़ गई जाने की वजह से, वरना आटा ना खाना मुन्नू। हां मुन्नू। जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर। और से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर। हमने दुनिया को तावीज दिया, मगर बंदर ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया? बाप ने हमें घर से निकाला, निकाला, बंद किया किस्मत का ताला, ताला, छीन लिया मुंह से निवाला, निवाला, बंद के बाद बंदर ने पाला, पाला, बोला बच्चा बंदर अच्छा के बाप अच्छा, बंदर। लौट चलो घर, लौट लो
लौट चलो घर लाड लो, बिनती मेरी मान लो, तुम ही मेरी आंखों के तारे, तुम ही हो जीने के सहारे, हाल दिल मेरा जान लो, लौट चलो घर लाड लो, लौट चलो घर लाड लो। घर की खिड़कियां तुम्हें पुकारे, ढूंढ रही तुमको दीवारे, कहां गई मेरे घर की बहारे, इज्जत ना नीलाम करो, लौट चलो मेरे लाड लो, लौट चलो मेरे लाड लो। तोड़ा नहीं ताला है, ढाका नहीं डाला है, चोरी नहीं की है, मेहनत से कमाया है, धंधा ये जमाया है, मुश्किल से कुछ पाया है, जिन हमको आया है, है आया है। तुम लोग जरा ढूंढ तो रे, सुर कौन था रे? झोले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, झोले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, बापू तेरे प्यार से भर आया मेरा भी गला, बापू तेरे प्यार से भर आया मेरा भी गला। अच्छा है जो मान गए वरना तो कट जाता गला, अच्छा है जो मान गए वरना तो कट जाता गला। तुझे मिलने को दिल कर साला ये यहाँ क्या कर रहा है? वैसे कसूर उनका भी नहीं है ना, देखिए जिन बच्चों की माँ बचपन में गुजर जाती फिर वो थोड़े बिगड़ तो जाते ही ना। मैंने अपनी तरफ से माँ और बाप दोनों का प्यार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज एहसास होता है कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। आज महसूस हुआ इतने सालों से तेरे एहसास सोए हुए थे क्या? माफ कीजिए हसमुख जी, आपको अपनी खातिर ना सही लेकिन अपने बच्चों की खातिर बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं किया? मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, उसके बाद कोई नजरों में जची नहीं, आज तक कोई ऐसी मिली नहीं। आज तक नहीं मिली? नहीं नहीं, कुछ दिनों पहले तक नहीं मिली, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को बहुत जल्द माँ मिल जाएगी। माँ मिल जाएगी। वैसे अनु जी, प्रोग्राम क्या है आपका? खास तो कुछ नहीं। तो फिर कहीं कॉफी पीने चले, थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी। और बुरा आइडिया नहीं है, चलिए। अरे वाह, एक मिनट, ये फूल बड़ी देर से आपके बालों के लिए मचल रहा है, अगर लगा दीजिए। नवाजिश। अबे तो कैसे दिल जलाने वाली बात कर रहा है? तू मेरे बचपन का दोस्त है ना? बचपन का? अगर तू दोस्ती का सही मतलब जानता ना दोस्त, तो अपने बचपन के दोस्त के पीठ में खंजर नहीं भोंकता। अबे मैंने कौन सा खंजर घोंपा है तेरी पीठ में, तू क्या बकवास कर रहा है? अच्छा हाँ? कल तू अनुराधा के घर नहीं गया था? अनुराधा? अरे हाँ गया था, इसमें खंजर का क्या लेने देना? ऐसी बात करता है जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। अरे तेरे बचपन के दोस्त की महबूबा वही तो है। कौन? अनुराध, क्या बात करते हैं? मुझे कसम से नहीं मालूम था कि तुझसे प्यार। I'm sorry, मुझे नहीं मालूम था। अबे झूठे, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि वही औरत मेरी जिंदगी है। तेरी कार लेकर मैं संगमपुर जाता था, किस लिए जाता था? तूने बताया था, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया।
भूल गया? अरे भूलने की बीमारी तो मुझे है, तू कैसे भूल गया? भूल गया शॉर्टकट में भूलू हसमुख, तू भूला नहीं, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू अपने होने वाली भाभी की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। अरे यार प्यारे, मैंने उसकी तरफ बाद में देखा, उसने पहले मेरी तरफ देखा। उसने देखा और मेरी तरफ देखते ही वो पहली नजर में मुझसे प्यार करने लग गई। बस बस बस, वो प्यार मुझसे करती है, पिछले दो साल से हमारा ये चक्कर चल रहा है, मालूम है क्या? अरे तेरी गलतफहमी है यार, वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा ठीक है, शाम को ही देख लेंगे उसकी बर्थडे पार्टी में। अच्छा ये भी तुझे मालूम है? नहीं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आज शाम को जाते हैं, अपनी आंखों से ही देख लेना वो किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, तेरी तरफ या मेरी तरफ। ठीक है, फिर शाम को फैसला हो जाएगा कि वो किसकी भाभी बनती है और किसकी पत्नी। डन। प्यारी जी। अनु जी, many happy returns of the day. Thank you very much. Bye bye. क्या शुक्र। Thank you. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you. Excuse me, मैं अभी आई हूँ। Excuse me. It's not all right. Hi, hello. How are you? Pili aur Lal. Hi. क्या दिख रही है? Hi, Bunnu. ये ऊपर वाले ने भी लड़की जात क्या चीज बनाई है? मुंह बिगाड़ के तो भी अच्छी लगती है ना? प्यारी जी, everything is all right with you. Everything is fine, fantastic. Excuse me. Oh yeah. हसमुख जी. जी जी. सब कुछ ठीक ठाक है ना? बस आपकी दुआ है. एक मिनट में आई. हसमुख यार, वो अपने दोनों की तरफ बराबर ध्यान दे रही है, लगता है वो हम दोनों से प्यार करती है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन वो कुर्बानी देगा कौन? हसमुख, हम दोनों स्कूल साथ गए, कॉलेज साथ गए, जिंदगी का हर सुख दुख साथ मिलकर बांटा, तू क्या चाहता है कि अपना वो बरसों का साथ एक लड़की के लिए छूट जाए? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे मगर प्यारे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुर्बानी देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? क्या कमीने, तू देगा कुर्बानी? अरे मैं नहीं देने वाला कुर्बानी उर्बानी कुछ भी। अरे तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे तेरी तो कुर्बानी मांग रहे, उधार का पैसा मांग रहे। तूने मुझे बोल रहा है, मुझे दो दिन के प्यार के लिए परसों की मोहब्बत पर हाथ उठाया तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आ जा रिंग के अंदर। अरे आ जा, तू बॉक्सर है तो मैं भी कराटे चैंपियन हूँ। प्लीज अंकल, होश में आइए, आखिर आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? शादी की बात पर। लेकिन किसकी शादी? मैं तो भूल ही गया। ए हसमुख, ये क्या कर रहा है? हम किस बात पर लड़ रहे थे? इतने सालों की दोस्ती में आप लोगों के बीच पहली बार झगड़ा क्यों हुआ? ये किसकी शादी के बाद? चलो ये मुन्नू की। मैंने कहा मेरा मुन्नू तेरी बेटी से प्यार करता तो हम लोग अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते, बराबर है कि नहीं? तो ये भड़क गया मेरे ऊपर। अरे भड़कूंगा नहीं, इकलौती बेटी है तेरी, इस लड़के से उसकी शादी करा के उसे जीते जी नरक में भेजा है। ओ अंकल जी, आप मेरे भाई की भरी महफिल में इस तरह बेइज्जती मत कीजिए, आप कभी बहुत हो गया अभी। नहीं नहीं बुन्नू, ऐसा नहीं कहते। अंकल जी सुनिए सुनिए, अपना फैसला सुनाने से पहले अपनी बेटी की दिल की आवाज सुनने की कोशिश तो कीजिए, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार और वो भी तुम जैसे बदमाश से। मैं और रितु तुम दोनों से सख्त नफरत करते हैं। अरे अरे ए, ए, सुनो 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 ए, पिली, अरे देख ए, देख देख ए।
चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे, चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। जब हम नहीं होंगे तुम्हें हम याद आएंगे, चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। मरना है तो जल्दी करो रोने को आएंगे, मरना है तो जल्दी करो रोने को आएंगे। रोने को हम परास की सखियां भी लाएंगे, मरना है तो जल्दी करो रोने को आएंगे। झूठी है पर एक बात सच्ची है, तेरे बिना हम जी नहीं सकते, तू इतनी अच्छी है। हर बात अपनी झूठी है पर एक बात सच्ची है, तेरे बिना हम जी नहीं सकते, तू इतनी अच्छी है। धोखा जिनकी फितरत में है वो क्या वफा करेंगे, दगा किया है जिन्होंने पहले आगे दगा करेंगे। धोखा भी जायज है गोरी प्यार में, एवरीथिंग फेयर है लव एंड वार में। माला चीतर बाहर है संसार में, धोखा अच्छा नहीं है लेकिन प्यार में। अरे माला चीतर बाहर है संसार में, धोखा अच्छा नहीं है लेकिन प्यार में। तूने जो ना कर दी हम और कहाँ जाएंगे, तूने जो ना कर दी हम और कहाँ जाएंगे। हम तो मरेंगे सुन के खबर, घर वाले मर जाएंगे। चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे, जब हम नहीं होंगे तुम्हें हम याद आएंगे। चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। पहले कर मुझको प्यार तेरा मिल जाता, मैं दूल्हा तू दुल्हन बनती, कितना मजा फिर आता। ओ मरने से पहले कर मुझको प्यार तेरा मिल जाता, अरे मैं दूल्हा तू दुल्हन बनती, कितना मजा फिर आता। मुश्किल होती है वो जो खुशी किया करती है, तो प्यार जहाँ से छीन लिया करती है। पहली आखिरी मेरी एक तमन्ना है, मुझको तो बस तेरा दूल्हा बनना है। जो तेरी मेरी भी वही तमन्ना है, आज से हमको एक दूजे का बनना है। अरे जो तेरी
हमें चाहा कुछ और न हम चाहेंगे, तूने जो हमें चाहा कुछ और न हम चाहेंगे, तेरे प्यार में मर के फिर जिंदा हो जाएंगे, चौखट पे तुम्हारी हम बारात लाएंगे, चौखट पे तुम्हारी हम बारात लाएंगे, घोड़ी चढ़ के आएंगे तुझे लेके जाएंगे, चौखट पे तुम्हारी हम बारात लाएंगे। अरे ये तो तुम्हारी कार है ना? हाँ। ये लोग कौन है तुम्हारी कार में? वो जान पहचान वाले हैं, तुम लोग यहीं रुकना, हम लोग अभी आते हैं। ठहरना, हम लोग डांट के आते हैं। कैसे आना हुआ? हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं, दो दिन के अंदर अंदर हम सबका कर्जा चुका देना, वरना तीसरे दिन हम इसे बेच कर अपना अपना कर्जा वसूल कर लेंगे। हमें से बात करो, हम कल के कल तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। इसका मतलब है हाथ में देकर जाएंगे। हाँ। लेकिन आज ये गाड़ी वो देखो, हम लोग जोर से बोलेंगे ना तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए हमें शराफत से गाड़ी ले जाने दो, समझे? अच्छा क्या मुन्नू, तुमने अच्छा किया जो इन लोग को गाड़ी दे दी, किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ना चाहिए यार। लेकिन ये गरीब थे कौन? हमारे बंगले के पीछे जो बस्ती है ना, वहीं के लोग थे। कल इनके यहाँ शादी है, आज तक इनकी सारी बारातें गधों पर निकली। बेचारों ने पहली बार सोचा कि गाड़ी में बारात निकाले, इसलिए मैंने गाड़ी उठाकर दे दी। बताओ, अच्छा मैं पहले मान नहीं रहा था, मगर तुमसे मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार पता चला कि शादी ब्याह बारात दूल्हा वगैरह इन सब चीजों की अहमियत क्या होती है, इसलिए गाड़ी दे दी। अब क्या करें? चोरी? अरे क्या कर रहे हो यार, पुलिस से पकड़ोगे क्या? राय साहब, मैं इनके कहने पर यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। डैडी को बेवकूफ बनाता है, घटिया से घटिया आदमी कभी अपने घर में चोरी नहीं करता, क्यों डैडी? राय साहब, मैं कसम खा के, राय साहब ग्लव्स पहनने से पहले जरा ये सुन लीजिए। क्या अपने ही घर में? हमारा बुढ़ो सीधी तरीके से तो हमें पैसा देगा नहीं, और बाप का माल अगर बच्चों के काम नहीं आया तो तिजोरी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा यार। और बाहर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथों में हथकड़ियां लगेगी, घर में पकड़े गए तो कहेंगे डैडी हम तो मजाक कर रहे थे। मैं पहले ही जानता था कि तुम लोग कभी भी कमीनेपन पर उतर सकते हो, इसलिए अपने बचाव के लिए मैंने पहले ही सिर्फ ढाल बना लिया था। राय साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो इनके कहने पर मैंने कसम से ना। ये आपको कुएं में कूदने के लिए कहेंगे आप कूदेंगे? ताला भागो। हम ताला बुन्नू, भागने के सारे रास्ते बंद है, भागने ले चारों तरफ ताले लगाए। मैंने लगाए ताकि इस बार तुम्हें घर से निकालने से पहले तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई कर सकूं। आज तो तुम लोगों ने बदमाशी में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो डैड, अपने ही घर में चोरी की। सॉरी डैड। कल डाका डलवाओगे? ना ना। परसों मेरा खून करवाओगे? नहीं नहीं डैडी, आखिर आप हमारे बाप है, हम आपके बेटे हैं। वो कल तक था, आज से ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरे बेटे हो। डैडी आपको कोई एक रिश्ता रखना पड़ेगा, या बाप वाला या बेटे वाला। क्या बोला? वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा, वरना हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में भी सोचा। अरे दादी को मार रहा है मेरे बच्चों को। दादी दादी समझाओ। अरे अपने आप को इतना बड़ा बॉक्सर समझता है तो एक एक ग्लव दे दे मेरे पोतों के हाथ में, फिर देख क्या होता है। ग्लव
और अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी कर लो। नहीं नहीं दादी, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं? पीछे के दरवाजे से भाग जाते। कहाँ लेके भाग रहा था गाड़ी? ये तेरे चाचा की गाड़ी नहीं है, पनान बंदरों की है। वो तो पीछे के दरवाजे से कूद के भाग गए होंगे। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे पास कैद में रहोगे। चलो और चलो आ जाओ अंदर, मैं तो बहुत मारूंगा। चल चल। अरे क्या करते हैं आप लोग, बच्चे का ध्यान तो रखना चाहिए। लो, आपको पता है किसका बच्चा है ये? अरे किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है। क्या बात करती है आप? ये चीफ मिनिस्टर का बच्चा है। तो क्या हो गया? चल। समझ में नहीं आता किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। आप लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे बच्चे को जिंदगी बख्शी है। ये एहसान हम कभी चुका नहीं सकते। अगर जिंदगी में कभी भी आप लोगों के काम आ सके तो मैं बहुत खुशी होगी। थैंक यू खुशी तो हमें कि इसी बहाने आप जैसी हस्ती से मुलाकात करने का हम लोगों को मौका तो मिला। वरना हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह आपके साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ चाय से छुटकारा नहीं मिलेगा, आज रात का खाना भी यही खाना होगा। भैया क्या जरूरत थी सर? ये सिर्फ मेरी ही नहीं, चिराग की भी जिद है। आज रात की पार्टी में आप दोनों को जरूर शामिल होना होगा। आप नहीं जानते आज के दिन आपने इस माँ को बहुत बड़ी खुशी दी है। आज चिराग का जन्मदिन है। क्या बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, भगवान करे चांद सितारों से भी लंबी उम्र हो तुम्हारी। अंकल, अगर आप हमारे रात की पार्टी में नहीं आए तो हम केक नहीं काटेंगे। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, हम लोग जरूर आएंगे। सो स्वीट। एक ही दिन में कितना घुल मिल गया आप लोगों से, कितना प्यार हो गया है। माफ कीजिएगा सर, सर पार्टी वर्कर आपका इंतजार कर रहे हैं और प्रेस वालों का भी आने का वक्त हो गया है। प्रेस वालों को भी इसी वक्त आना था। क्या हुआ सर? को खास नहीं, वो अखबारों में आप पढ़ते ही होंगे, बैंक रॉबरीज और किडनैपिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब सरकार को इसका जवाब देना है, थोड़ा जरूरी है नहीं तो आप लोगों के साथ बैठता। क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। ओह शिट। फ्रॉम द प्रेस, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। एक मिनट। हेलो सर, कुछ प्रेस वाले आए हैं, कहते हैं कि सीएम साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। आने दो उन्हें। ठीक है सर।
सर शराब को कर। हिंदुस्तान में अच्छे डॉक्टर नहीं है, चमुने। अरे बहुत वो तो है बिल्कुल चीफ मिनिस्टर। वाह मेरे दोस्त वाह, अब दुनिया तो क्या उस चीफ मिनिस्टर भी देखेगा ना, वो हरारा परेशान हो जाएगा। वाह डॉक्टर्स वाह वाह वाह, तुम लोगों ने हमारे सपनों को हकीकत में बदल दिया है। ऐसा काम किया है कि तुम लोगों का इनाम देना ही चाहिए ना। चीफ मिनिस्टर इस वक्त अस्पताल में एडमिट हो गया होगा, बस वही एक जगह है जहां से उसे किडनैप करके उसकी जगह इसे डालना होगा। इन हरामजादों की साजिश का भंडा फोड़ना बहुत जरूरी है, वरना इतना बड़ा राज्य हम जान चुके हैं वो राजराजी बनकर रह जाएगा। अरे चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा मेरे भाई, नहीं जाऊंगा। मरना है तो साथ मरेंगे, जीना है तो साथ जिए। मेरे भाई चिंता मत कर, तू मुझे समझने की कोशिश कर। अगर तू यहां से निकल गया ना तो जब तक मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मुझे भी नहीं मार सकते। नहीं बुड्ढा नहीं, कुत्तों के हाथ लग गए तो एक कुत्ते हमें कुत्ते की मौत मार डालेगा। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम, तुझे
बुल्लू तुझा, बुल्लू जा, नहीं बुल्लू, तू बुल्लू तुझा, तुझा, और देख, बाबूजी को बता ना, पुलिस की मदद लेना, मेरी फिक्र मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं लगता ये पुलिस का आदमी है। पुलिस का आदमी हो ना हो, लेकिन हमारे लिए खतरा बन चुका है। जो बात तुझे और तेरे साथी को पता चल चुकी है, वो हमारी महीने भर की मेहनत है। ये राज जानने के बाद तू यहां से जिंदा तो नहीं जा सकता, ये बात तो तय है। हाँ, तेरी मौत जरूर आसान हो सकती है। पता तेरे दोस्त का नाम क्या है और वह यहां से आकर कहां गया है? बता दे हरामजादे, नहीं तो तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर मरेगा तू। कितना जुल्म चाहे कर, मगर मैं तुझ बदमाश को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगा। मर जाऊंगा मगर अपने साथी का नाम और ठिकाना नहीं बताऊंगा। बता दो ना डार्लिंग, बता दो ना प्लीज, तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, बता दो ना। डैडी, डैडी, मुन्नू। अगेन अलग, दूसरा कहा है? वो इस वक्त बहुत मुसीबत में है डैडी। अरे सारी दुनिया तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंसी हुई है, तुम काहे की मुसीबत में फंस सकते हो? पिछली बार यादाश्त का ढोंग किया था, आज क्या नया ढोंग लेकर आए? मेरी बात का यकीन कीजिए डैडी, मुन्नू को कुछ खतरनाक बदमाशों ने पकड़ के रखा। वो उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर को किडनैप करने का प्लान बनाया डैडी। चीफ मिनिस्टर? हाँ। कोई बड़ा झूठ नहीं बोल सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करने का प्लान बनाया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किडनैप करने का प्लान बनाया है, झूठा स्वाइन रासल। मैं सच बोल, सुअर कहीं का। दादी, दादी आप ही डैडी को समझाइए ना। आखिर कब तक तुम लोग यूं शरारते करके अपने बाप को सताते रहोगे? ये आप कह रही हैं दादी, और नहीं तो क्या। अरे बार बार यूं झूठ बोलना अच्छा नहीं बेटे, कभी तू अपनी मुसीबत में सच भी बोलेगा ना तो लोग झूठ ही समझेंगे, समझता नहीं है तू। सच कहा दादी, आज मेरे सच को भी झूठ समझा जा रहा है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मुन्नू की जिंदगी सचमुच खतरे में है। हमने उसे बहुत मारा सर, लेकिन वो जुबान नहीं खोल रहे सर। तो मार डालो उसे, ये लो। Thank you.
अरे मुन्नू बेटी तुम क्या बात है? डैडी डैडी प्लीज आप फौरन मुन्नू के साथ जाइए, इसे आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? बस अंकल यूँ समझ लीजिए कि अब सिर्फ आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए कि कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा। यहाँ तक डैडी और दादी भी यही समझ रहे कि हमेशा की तरह मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मगर अंकल मेरा यकीन कीजिए, इस बार ना मैं मजाक कर रहा हूँ और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुन्नू शॉर्टकट में बता आखिर हुआ क्या है? अंकल कल चीफ मिनिस्टर साहब पर जो हमला हुआ है मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। क्या? हाँ अंकल, और मैं उन मुजरिमों को अच्छी तरह जानता हूँ, एक एक का चेहरा मैंने देखा हुआ है और यहाँ तक मैं उनका अड्डा भी जानता हूँ। वो लोग ने खतरनाक प्लान बनाया। प्लान? हाँ, वो लोग चीफ मिनिस्टर साहब को किडनैप करके उनकी जगह उनके एक हमशकल को बिठाना चाहते हैं। हमशकल? मेरा मतलब वो आदमी उनका हमशकल नहीं है। मुन्नू बकवास बंद कर और होश में आ जा, ये तेरा घर नहीं पुलिस स्टेशन है, यहाँ आकर बेहुदा हरकत करने का मतलब जानता है तू? क्या बात है, तुम इस लड़के की बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए कि सर मैं इसे बचपन से जानता हूँ, बचपन से लेकर आज तक इन दोनों ने झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहा सर, जिंदगी भर अपने बाप को सताते आए। लेकिन दिस इज टू मच सर। हो सकता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा हो, लेकिन इस लड़के की बातों में अगर 1% भी सच्चाई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर मैं कसम खाता हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरा भाई बुन्नू भी उन गुंडों की कैद में है, कुछ कीजिए वरना उसकी जिंदगी चली जाएगी सर। डोंट वरी, कानून लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, और वैसे भी इसका ताल्लुक चीफ मिनिस्टर साहब से है, सच हो या झूठ हमें तुम्हारे साथ चलना होगा। आइए सर आइए। ये कैसे हो सकता है प्रिया, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया है, यहाँ की हर चीज बदल गई है, या नहीं वो मुझे नहीं मेरा भाई है, डीसीपी साहब ये जगह ही बदल गई है। कभी कहते हो चीफ मिनिस्टर साहब बदल जाएंगे, कभी कहते हो जगह बदल गई, कानून के साथ आंख पिचोली कर रहे हो तुम। सर मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इसके साथ यहाँ आना मतलब वक्त बर्बाद करना है, बड़ा लफाड़िया है ये। नहीं नहीं डीसीपी साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, कल तक ये जगह कुछ और थी आज कुछ और है, एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है आप ही बताइए। तुम यहाँ, तुम पुलिस को खुद साथ लाए? बड़े साहब इसे गिरफ्तार कर लीजिए, कल इसने अपने भाई का खून किया था, लाश गाड़ी में रखकर ये भाग रहा था, तो मैंने पकड़ने की कोशिश की ये तो भाग निकला, लेकिन इसका कोट मेरे हाथ में रह गया। झूठ बोल रही है ये बुढ़िया भी उन मुझे मौके कोई साथी है, आप समझते क्यों नहीं हो डीसीपी साहब, ये सब मुझे फंसाने की कोई साजिश है। एक मिनट ये बुढ़िया, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मरने वाला इसका भाई है? हां इसलिए कि मरने से पहले वो खुद कह रहा था, मेरे भाई ये तू क्या कर रहा है, क्यों मुझे जान से मार रहा है, आखिर मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी भूल हो रही है डीसीपी साहब, यकीन कीजिए मेरा भाई जिंदा है, इन हरामजादों की कैद में है डीसीपी साहब मेरा। सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये मुन्नू मेरे दोस्त का बेटा है, मैं जानता हूँ इसे, ये हजार झूठ बोल सकता है लेकिन अपने भाई को नहीं मार सकता, और सिर्फ इस बुढ़िया ने कहा है, और तो कोई सबूत नहीं है हमारे पास। इंस्पेक्टर प्यारे, मेरी तुम्हारे दोस्त के बेटे से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस औरत का ये कहना है कि इसने अपनी आंखों से इसे अपने भाई का खून करते हुए देखा है, और जब तक इसका भाई कानून के सामने ना आए ये पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। चलो लाश एकदम सड़ चुकी है सर, पहचानना बहुत ही मुश्किल है। डोंट वरी, लाश पे जो घड़ी और चेन मिली है ना उससे पता चल जाएगा, तुम पंचनामा तैयार करो। पुलिस को जो लाश मिली है उसे पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन लाश पर से बुन्नू की ये घड़ी और चेन मिली है। इंस्पेक्टर साहब ये बहुत ऊंचा नाटक है। नाटक? पिछली बार जब वो घर छोड़कर जा रहे थे तो मुझे धमकी देकर गए थे कि डैडी अब की बार हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा, और ये करके दिखा दिया। एक ने किसी की लाश पे अपनी चेन और घड़ी डाल दी और दूसरा जाके लॉकअप में बैठ गया ताकि उनका बाप बौखला कर यहां वहां भागता फिरे, मगर अब की बार मैं उनके झांसे में आने वाला नहीं हूं। टू हेल विद देम।
भगवान करे ये जो कह रहा है वही सच हो। हाँ। लेकिन शॉर्टकट में एक बात कहूं, पुलिस को लाश मिली है, लाश। श्राम। अगर दो तीन दिन में बुन्नू हाजिर नहीं हुआ तो ये नहीं जानता मुन्नू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। हे भगवान, हमारा मुन्नू जहां कहीं भी हो बिल्कुल ठीक हो। अरे सज्जन ना, तो तेरा गौरी शंकर की महीना में बारहवीं बच्ची तोड़ी है हमार कल से। अरे तू काफी भाग जाता हूँ तेरी गौरी शंकर की इज्जत का सवाल है। कुत्ता भी तोड़ गया है हमारे भैया, पहले तू तो मटका, फिर हवा में जाकर लटका, फिर यहाँ लाकर पटका, हम हो गए हटका भटका और मुंह में आ गया भटका। अरे भटका भटका नहीं नहीं। बचा ले बजरंग बली, बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले, राम 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 राम। गौरी शंकर, क्या हुआ? अरे बाहर निकलाओ, मोती भाग गवा। भाग गवा? हाँ। साला बदमाश कहीं का, बहुत होशियार बदमाश। गौरी शंकर, अरे बजरंग बली हमको क्षमा कर दो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे मोरे गौरी शंकर, नुकसान हमार हुआ, छत हमरी टूटी, ये हालत में तुमने हमका देखा और माफी मांगो तो अपने बजरंग बली से। तुम भी हमको माफी दे दो चंद्रमुखी, मगर ये सारी गड़बड़ तुम्हारे कुत्ता के कारण हुई है, इसलिए हम गलती से ही आ गिरे। ये गलती तूने पहले काहे नहीं की गौरी? बाप रे बाप, ये बेबस्ता। देखो चंदा रानी, हमरे संग ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करो, तनिक दूर रहो हमसे। हाँ। खबरदार, जो हमारे साथ हवालदारी दिखाई तो शोर मचाई के सारे गांव को इकट्ठा कर लेंगे। बेशरम कही के, पहले तो कुंवारी लड़की के घर में छत से भीतर आवत हो और ऊपर से कोतवाली दिखा दे तो। ए गौरी शंकरा, तुहे तो गलती का जुर्माना देना ही पड़ेगा रे। अरे तुमको जो लेना है ले लो भैया, हमारा पीछा छोड़ो। तो जल्दी से चुम्मी दे दे। अरे बाप रे बाप, ये व्यवस्था, चुम्मी। तुम तो बड़े लुच्चे निकले गौरी शंकर, हमको ना ही पता था चुम्मी के नाम से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। हमारा हाथ लगने से का बिजली का करंट लागत है। अरे ओ चाचा, आज फिर गौरी शंकर ने हमारे मत की तोड़ दी। हाँ अब कहा बोले बिटिया, हम तो थक गए ना समझ को समझाई समझाई के। अरे समझाना कानून मुश्किल है चाचा, अगर तुम कहो तो एक मिनट में हम समझाई दे उनको। क्या समझाएगा बे, क्या समझाएगा तू? देखा चाचा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कब बात करते हो, हमरे संग बात करो, हम सब जानते हैं कि इन लोगों को भड़का कर तुम ही यहाँ लेकर आते हो। देखो ये सब हरकत बंद करो, वरना गौरी शंकर की खोपड़िया घूम गई ना तो नकद देना पड़ जाएगा। अरे तुहार खोपड़िया घूम गई तो तू क्या कर लेगा हमारे? अरे क्या कर लेगा, अरे क्या कर लेगा? कोई ज्यादा नहीं करेंगे भैया, तुहार मुंह तोड़ देंगे। हाथ
तू एक दिन हमारा सर्वनाश करके रहेगा। अरे हम तंग आ चुके हैं तेरी ढींगा मस्ती से, तेरी मारामारी से। इसलिए इसलिए आज के बाद भैया हमारे घर का दरवाजा तोड़े लिए बंद, हमारे घर का दाना पानी तोड़े लिए बंद। चल जा, 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 चल। अरे तो जाते हैं, जाते हैं। तो चल, तो जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। क्या सोचते हैं घर से बाहर निकाल देंगे तो गौरी शंकर को दाना पानी नहीं मिलेगा क्या? अरे बहुत पड़े हैं, बहुत पड़े हैं खिलाने वाले हमको, मगर इस तरह पूरे गाँव वालों के सामने भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी शंकर, अरे क्या सुने गौरी शंकर, बात बात पे घर से बाहर निकाल डालते। चलो निकलो, हटो, जैसे गौरी शंकर की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे हमको पहले पता लग गया था कि इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है, हम जा रहे हैं। का बेटे छबिया, कहीं पता चला हमरे गौरी का? नहीं चाचा, सारा गांव छान मारा, कहीं पता नहीं चला उनका। ओ चाचा, तुम तो खाना खाई लो, दिन भर हो गया भूखे होंगे। नहीं बिटिया, हमारी भूख भी गौरी के साथ ही चली गई। तो क्या जरूरत रही हमको घर से बाहर निकालने की? कान पकड़ के घर से बाहर निकाल डालते हैं और बाद में कहते हैं कि गौरी चला गया तो हमारी भूख भी चली गई। आज होता है नाटकबाजी का। अच्छा गौरी महाराज, अब आई गए हो तो मेहरबानी करो हम सब पर, अंदर चलकर खाना खाई लो। नहीं खाना हमको खाना वाना, इनकी गाली खाकर हमारा पेट भर चुका है। अच्छा बाबा, माफी दे दो इनको, अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे तुमको। देखो इसे सर झुकाकर खड़े बाबूजी, देखो तो बाबूजी। तुम्हारी गरीब बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे हमने खाना नहीं खाया तो हमने बाबूजी को भी खाना नहीं खिलाया? हम डरे मुस्टंडे आदमी, खा नहीं खा, मगर हमने बाबूजी को तो खाना खिला दिया था। देखो कैसा चेहरा उतर गया इनका। चलिए बाबूजी चलकर खाना वाना खाते हैं, हम जरा गैया बांध कर आते हैं। चाचा, जब से हम पैदा भए हैं ना, ऐसा प्यार पूरे गांव में कहीं नहीं देखा हमने। अरे बिटिया, इस संसार में गौरी के सिवा हमारा है ही कौन? हम इतने से थे जब हम अपनी माँ और अपने जुड़वा भाई से बिछड़ गए, और फिर एक दिन ऐसा आवा कि गौरी की माँ भी हमको छोड़ के परलोक सिधार गई। अब संसार में एक हम है, एक गौरी है, और हमने प्यार को किसी की नजर न लगे खातिर हम गौरी के ही काला टीका लगा के रखते हैं। चाचा, एक चाचा, तुम चिंता ना ही करो, उस पत्थर को तो हमने थोड़ा मोम बना ही दिया है और आगे भी हम ही ख्याल रखेंगे उसका। अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अरे अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आए गौरी हम तोहरे घर माँ। अरे अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आए गौरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गौरी हम तोहरे घर माँ। अकेली हूँ घर माँ, तू आज बाल आईबे तो हमें का खिलाईबे, गरमा जो आईबे तो हमें का खिलाईबे, गरम गरम हलवा और पूरी पकाईबे, नरम नरम हाथों से खा जा बाल माँ, नरम नरम हाथों से खा जा बाल माँ। अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ।
पूरी खाइबे तो निंदिया सतैबे, हलुआ पूरी खाइबे तो निंदिया सतैबे, ओ हलुआ पूरी खाइबे तो निंदिया सतैबे। किस्मत जागा जबाल माँ, सिजिया की किस्मत जागा जबाल माँ, खेत गए बाबा बाजार गए माँ, खेत गए बाबा बाजार गए माँ, अकेले हूँ घर माँ तू आ जबाल माँ, अकेले हूँ घर माँ तू आ जबाल माँ। का होगा बाजार से माँ जो आई, का होगा बाजार से माँ जो आई, ओ का होगा बाजार से माँ जो आई, कह दूंगी माई ये तेरा जमाई, हाथ मेरा मांगने को आज बाल माँ, हाथ मेरा मांगने को आज बाल माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोरे घर माँ, खेत गए बाबा बाजार गए माँ, खेत गए बाबा बाजार गए माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आ जबाल माँ, अकेली हूँ घर माँ तू आ जबाल काम हो गया। देखो
सर मुन्नू लॉकअप से भाग गया सर। मतलब जिस पर खून का इल्जाम है तुमने उसे फरार करा दिया? माय गॉड, अरे बाप रे, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर प्यारे मोहन, तुम बिक गए हो। बिक गया हूँ, मगर इतना याद रखो, अगर वो मुजरिम फरार हो गया तो सारी जिंदगी किसी जेल की चार दीवारी में घूमोगे तुम। जेल की चार दीवारी? तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं शॉर्टकट में समझ गया सर, अब यहाँ आ रहे और मैं भाग रहा हूँ। हेलो हेलो, उल्लू का पट्टा, तुम किस काम के लिए रहे डीसीपी? बेकार हो चुके हो, एक मामूली से छोकरे को खत्म नहीं कर सके तुम। निकल गया वो तुम्हारे हाथों से। अपनी तरफ बिकाऊ लोगों को भर्ती कर रखा है तुमने अपने डिपार्टमेंट में। वो बिकाऊ नहीं है तेजेश्वर साहब, बेवकूफ है। मैंने उस बेवकूफ को ड्यूटी पर इसलिए रखा कि हमारा सारा काम आसानी से हो जाए। अरे तुम्हें उस लड़के को उसी वक्त गोली से मार देना चाहिए था, लेकिन तुम, अरे तुमने उसे लॉकअप में मरवाने का प्रोग्राम इसलिए बनाया ताकि तुम पर किसी को कोई शक ना हो। क्या साला, ढूंढो उसे, खत्म कर दो, उसकी जिंदगी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हमारे बरसों के प्लान पर पानी फिर सकता है डीसीपी। कौन है? कौन है? प्यारी, तू किधर से? खिड़की से। आधी रात को मेरे घर में खिड़की से चोर की तरह आया, चक्कर क्या है? अरे तेरे बेटे ने मेरे लिए जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए मुझे खिड़की से आना पड़ा। मैं अपने घर में भी नहीं जा सकता, वहां भी पुलिस का पहरा है। शॉर्टकट में एक बात बोलूं, तेरे बेटे ने मुझे बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया है मेरे पोतों ने? क्या किया मैं फिर से भूल गया? भुलक्कड़ की औलाद, तू मेरे बेटे की बात कर रहा था। गोबर का बना हुआ है, मुझे बेवकूफ बनाया और वो लॉकअप से भाग गया। क्या? और उसकी वजह से मुझे डीसीपी साहब को फोन करना पड़ा। और मुझ पर रिश्वत का इल्जाम लगाकर फंसा दिया डीसीपी ने। साहब, डीसीपी साहब आए। डीसीपी साहब आए? अरे डीसीपी, अरे मर गया मैं, वो तो मुझे छोड़ के रहा है। अबे यार इसका, अबे आपको संभाल, मैं उसको संभालता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले मेरे घर में परेड क्यों करे, क्या मुसीबत है? इसलिए कि आपका बेटा लॉकअप से फरार हो गया है। कैसे फरार हो गए? हमारे डिपार्टमेंट के एक बेवकूफ इंस्पेक्टर और आपके दोस्त प्यारे की वजह से। अब वो भी कानून का मुजरिम है और आपके बेटे के साथ साथ हमें उसकी भी तलाश है। माफी सर। नो थैंक यू। क्या हुआ? नहीं नहीं सर, वो रात को सोया नहीं तो मेरा मुंह खींचता है, आंखों में दर्द होने लगता है सर। कॉफी लीजिएगा। अरे ये गधा फंस जाएगा आज। कौन गधा? गधा किसको बोला? नहीं सर, वो मेरा दोस्त, वो बेवकूफ ऐसी हिमाकत करता है कि फंस जाएगा सर। अरे तू क्या करता, तू जाना यहां से, मैं नहीं चाहिए कॉफी। सर खामखा, आई डोंट लाइक कॉफी एट ऑल। तो मैं कह रहा था घर में कोई भी नहीं, मैं अकेला हूं। सर यहां तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना यहां कोई नहीं। सर सर एक मिनट इधर आएंगे। क्या है? मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, वो मुझे सताने के लिए आए दिन ऐसा नाटक करता रहता है। सर ऐसा चक्कर चलाए कि पुलिस इसके पीछे से हट जाए, उसके बदले मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रिश्वत नहीं लेता। नहीं लेते? कमाल है, आपका चेहरा देख के ऐसा लगा कि शायद आप लेते। खैर जाने दीजिए, मत लीजिए सर, मेरा बेटा मासूम है, बेगुनाह है, उसने कुछ भी। तो आपका बेटा मासूम है और ना ही बेगुनाह, वो कानून का एक बहुत बड़ा मुजरिम है। उसकी भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना पछताएगा। सुनो, तुम दोनों 24 घंटे आज से इस घर की निगरानी रखोगे, आज नहीं तो कल वो इनसे मिलने जरूर आएगा, और जैसे ही वो आए मुझे फौरन खबर कर देना। गुड नाइट, चलो। धीरज से काम लो मुन्नू, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मोंटू, जो मुजरिम मुझे खून के इल्जाम में फंसा सकते हैं, पुलिस के मौजूदगी में लॉकअप में घुसकर मेरी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं उन जालिमों ने मेरे भाई के साथ क्या किया होगा। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मुन्नू अब तक जिंदा है कि। मुन्नू, मुन्नू, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर उन मुजरिमों को मैं कहां ढूंढूं, कैसे मालूम करूं कि मुन्नू किस हाल में है। मुन्नू, एक जगह है जहां हम मुजरिमों को पकड़ सकते हैं। हाँ, तुमने कहा ना कि वो लोग अस्पताल में जाकर चीफ मिनिस्टर साहब को बदलने वाले हैं, अगर हम वहां जाएं तो उन मुजरिमों को पकड़ सकते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की जान भी बचा सकते हैं। ही इज डॉक्टर गोयल फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट पर चीफ मिनिस्टर साहब को देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, प्रधान
इन्हें ले जाओ। आइए सर। डॉक्टर गोयल फ्रॉम दिल्ली। एक्सक्यूज मी सर। सर। हेलो। यस सर। तुम्हारा फोन। थैंक यू सर। व्हाट? ये क्या कह रहे हो मुन्नू? मेरा यकीन कीजिए मिस्टर विनोद, वो मुजरिम चीफ मिनिस्टर साहब को अस्पताल में बदलने वाले हैं। ओह माय गॉड। अस्पताल के कुछ लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। आप लोग जरा बाहर जाएं। तुम बात कर लो, मैं दरवाजा बंद करता हूं। मुझे पहचाना आपने सर? मैं मुन्नू सर, मुन्नू। आपकी पत्नी और बेटे के कातिल को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं सर। मेरा भाई बुन्नू भी उनके कैद में है। और एक सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने ही एक आदमी को बिल्कुल आपका हमशक्ल बना दिया है। वो लोग आपको बदलना चाहते हैं सर। हाँ, आपको बदल। मुन्नू, तुमने यहां पहुंचने में थोड़ी देर कर दी बेटे। चीफ मिनिस्टर साहब तो कब के बदले जा चुके। Thank you.
सर, 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 आप बेशक मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मगर मेरी बात का यकीन कीजिए, वो हरामजादा नकली चीफ मिनिस्टर है। जानता हूं कि चीफ मिनिस्टर नकली है। क्यों क्यों लाए तुम मुझे यहाँ, क्यों लाए? हट, क्या कर रहे हो तुम लोग? वक्त आने पर तुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। ले जाओ इसे, ले जाओ। टीनो, पैर और सख्त कर दो, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं माना चाहिए। तुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वक्त आने पर मैं खुद तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा, कहा था कि नहीं? लेकिन कब आएगा वो वक्त, कब आएगा जब मेरा भाई सलाखों के पीछे अपना दम तोड़ देगा? दिन ब दिन उस पर टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, रात रात भर उसे सोने नहीं दिया जा रहा, कुत्ते जैसी हालत हो गई उसकी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने दिनों से आप लोग कर क्या रहे हो। तुम्हारे भाई को छुड़ाना को बच्चों का खेल नहीं है प्रवीण, वक्त तो लगेगा ही ना। हमारा मकसद आधा पूरा हो चुका है, आज चीफ मिनिस्टर हमारी कैद में और उसकी जगह हमारा सारंग अस्पताल में है। बहुत जल्द सारंग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाल लेगा और उसके बाद तुम्हारा भाई आजाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रॉब्लम है वो लड़का, दो बार वो तुम लोगों के हाथों से बच चुका है, तीसरी बार कहीं वो तुम्हारी मौत का कारण ना बन जाए। हमारी कोई मौत का कारण नहीं बनता परवीन, आज तक वो हराम ज्यादा हमारे पीछे था लेकिन आज के बाद हम उसके पीछे जाएंगे और जैसे वो हमारे हाथ में आएगा उसे भी वहीं पहुंचा देंगे जहां उसके भाई को पहुंचाया था। बोलो। नहीं मां, तू खा मखा अपना दिल काहे छोटा करती है? अरे हमारा मन कहता है हमारे बुन्नू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मां जी, मेरा दिल भी यही कहता है, दादी मां कुछ भी नहीं होगा, हमने एक तरकीब सोची है जिससे बुन्नू जहाँ कहीं भी होगा खुद ब खुद हमारे सामने आ जाए। अच्छा, ये देखिए अंकल, ये मैटर हम पेपर में छपवाने वाले हैं। तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। हाँ। और तुम्हारे डैडी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। भगवान ना करे। अरे लिखा मैं से ही। तुम जहाँ कहीं भी हो फौरन घर आ जाओ, तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, चार जूते पकड़ के मारूंगा, सवाल क्या नहीं करूंगा। और जो इस आदमी को नीचे लिखे हुए पते पर पहुंचाएगा उसको 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। वापस तब आएगा जब इस दुनिया में होगा। मुन्नू, मेरा भाई, मेरा भाई। अरे लक्ष्मी, पहुंच के होश आ गया, होश आ गया। ये पांडव, अब कैसे हो? अब ठीक हो ना? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं लेके आया हूँ, तुम पानी में बेहोश थे। अरे गोली खिसकर निकली है, मैंने मरहम पट्टी कर दी है, अब सब ठीक हो जाएगा। कायरी, गोली कैसे लगी? हाँ, ये गोली कैसे लगी? ऊपर जाकर इतनी कीमती चेन और घड़े का तू क्या करेगा? मेरी घड़ी और चेन पहनेगा? हाँ, चल चल, मेरी शर्ट भी पहन, चल पहले से, पहले से चल पहन, मैं तो ठीक है, चेन उतार डालूंगा, चल पहन, चल भागे से, चल भागे से, चल भाग, बोला ना, भाग, भाग। बेटे, तू बहुत नसीब वाला है, बस ऐसा समझो कि जैसे तुम्हें नई जिंदगी मिल गई। और मेरी ये जिंदगी आप लोगों की मेहरबानी से है, आप लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनो, कुछ खाना वाना तो खा के जाओ। जी नहीं, शुक्रिया, पता नहीं मेरे बगैर
मेरे घर वालों का और मेरे भाई का क्या हाल होगा? मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना है। अरे गौरी, तुम तो ऐसे प्रसन्न दिखाई दे रहे हो जैसे बम्बई अपनी दोस्त बिरजू की लगन में नहीं बल्कि अपने ही लगन में जा रहे हो। अरे तो आप सुनिए भाई साहब, आप सुनिए। अरे बिरजू हमारे बचपन का एक ही दोस्त है, प्रसन्न ही होंगे क्या? और वैसे भी हमको बम्बई देखने का पहली बार मौका लग रहा है। अरे वो सब तो ठीक है गौरी भैया, स्टेशन नजदीक आ रहा है, हमका भूख लगी है, अभी लाते हैं। ये समोसा कैसा दिया? एक रुपए का एक। पान दो दस्तों जरा। अब ये देख। अरे शक्ल तो वही है लेकिन आदमी वो नहीं है। भैया लगता है। अबे भैया लगता नहीं है, भैया ही है, सिर्फ चोटी काटो बाल खचा खच। 50,000 रुपए का इनाम। कैसी रही? अच्छी रही। कासी हिले। राम जी की भैया। राम जी की भैया। कौन गांव के हो? हम। हाँ हंडिया। हंडिया तभी खुशहाल नजर आ रहे हो। वो इतने 10-10 समोसे, वो भी 5 रुपए का एक समोसा। 5 रुपए का एक नहीं भैया, हम तो 1 रुपए का एक लेके जा रहे हैं। काहे मजाक कर रहे हो? उस ससुरा तो हमका 5 रुपए में एक देता है। ऐसा आप शकल से ही थोड़े बेवकूफ लगते हो, इसीलिए ससुराल ठग लिया, हम तो 1 रुपए में एक लेके जा रहे हैं। अरे भैया आप 2.5 रुपए का एक हमका दे दियो, कैसी रही? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी के एक समोसा के पीछे हमको 1.5 रुपए का मुनाफा होना बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया। ऐसा करो पूरे के पूरे हमका दे दियो और अब आप हिसाब जोड़ो। देखो एक का हो गया 2.5 और 2 का हो गया 5 और 3 का हो गया 7.5 और 4 का हुआ। अरे हमरे ट्रेन छूट गई रे। गौरी अरे कोई रोको रे भाई, गौरी स्टेशन में रह गया। अरे गौरी की छबिया। अरे बता रे गौरी। ए चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी। छोटे भैया काहे को रात हो, हम तो हर का बंबई पहुंचा दिया। अरे हम बंबई पहुंच कर क्या करेंगे, हमरे पास तो बिरजू का पता भी नहीं है। यहाँ एक बाबा रहते हैं, बिछड़ों का पता बता देते। कैसी रही बाबा? चिंता मत कर बच्चा, पता मिलेगा सच्चा। बस 10 मिनट के लिए अपनी आंखें मूंद, मिलेंगी तुझे ज्ञान की 10 बूंद। कैसी रही? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारे बालों के साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है? आवाज मत कर बच्चा, अगर टूट गया ध्यान तो कैसे मिलेगा ज्ञान। कैसी रही? बहुत बढ़िया। आग बंद कर। अच्छा अब तू अपनी आंखें खोल और कैसी रही ये मुझको बोल। कौन है? छोटे भैया। हंडिया हंडिया। कैसी रही? फैसल चलता नहीं किया हुआ। ये कैसी रही? ये कैसी रही? भैया भैया कहाँ जाते भैया, ये कैसी रही? कैसी रही? इस शहर ने हमरा सब कुछ छीन लिया, हमरे बाबूजी, हमरी मूछे, हमरी चुटिया, हमरा सब कुछ और हमरी। ए चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी। अरे अब हम कहाँ जाए, किधर जाए? अरे कहाँ से ढूंढे बिरजू का पता है? जानते हो तुम्हारी वजह से घर वाले कितने परेशान है? अरे घर वाले का परेशान है, परेशान तो हम है, मगर आप हमारे घर वालों को कैसे जाना? तो ये फिर ड्रामा कर रहा है। देखो बुन्नू। अरे कौन बुन्नू? हमारा नाम गौरी शंकर है, हम अपने दोस्त बिरजू का पता ढूंढ रहे हैं भाई। बिरजू? बिरजू का घर? हाँ तुम्हें ले चलते हैं बिरजू के घर। ऐसा बोलना था ना भाई? अरे चलो आप लोग हमारे दोस्त बिरजू को जाना। अरे क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छी तरह। चलो चलो बिरजू हम आ रहे हैं। कौन है ये फिर जो फिर जो फिर जो यार, खामा का तुमने मुझे हैरान करो, परेशान करो जा रहे हो, कभी समय समझा रहा हूँ इन लोगों को। नो मेरी बात नहीं मान रहा, बस खामा का बात कर रहे हो। समझाओ भैया, ये हमारा होने वाला दूल्हा है और हमारा तो चलने को इनकार कर रहा है। ये तुम्हारा दुल्हन है, तू क्या मर्द हो?
बेटा भैया हो गए बम भैया वाह बिठुआ चुप चलो अंदर। अरे तनिक प्रेम से गौरी, अरे हमारे दोस्त के घर में लाइयो या किसी जेल खाने में। अरे बाप रे बाप, ये व्यवस्था, अरे इतना बड़ा घर किसका है? अरे तुम्हारे पिताजी का है। अरे बात, अरे कहाँ हमरे हंडिया की झोपड़िया और कहाँ ये इतना बड़ा महल। अरे लगता है ये बिरजू ससुरा शहर में आकर कोई भयंकर चोर हो गवाह है, क्योंकि इतना बड़ा महल तो चोरी के पैसों से ही बनता है ना। अरे बिरजू कार बाहर निकल। तू आगे बैठे। अरे भाऊजी, अरे भाऊजी, अरे भाऊजी भाऊजी चलते आपसे बिछड़ कर कहां भया हमरे संग। अरे तेरे जैसे नालायक बेटे जो बाप को सताते उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। कभी तो जी मैं तो बार बार रास्ता फोड़ दू। कहता हूँ जाने दो, अब ये क्या है कोलू के बैल की तरह चक्कर लगा रहा क्या है? अरे भाऊजी इस शर्मा के आपको कहां हुए गवाह है? क्या हुआ? अरे आपका बोलने का आपका कपड़े पहनने का सारा तरीका ही बदल गया। अरे अरे आपकी भी चुटिया किसने काट दी? कहाँ काट दी? किसने काटी चुटिया? किसने काटी? कौन लाओ? सारे रास्ते हमें भी इसी तरह तंग करता है अंकल। अच्छा हुआ जो आपको पहचान तो लिया, वरना हमें तो पहचानने से भी इनकार कर रहा था। अरे क्या बात करती हो देवी, क्या हम अपने बाबूजी की शक्ल लाइव पहचानेंगे का? अच्छा ए बेटा बुन्नो। बुन्नो? ये बुन्नो कौन है बाबूजी? बुन्नो हम है। अरे तो ये लोग काय को हमको हैरान कर रहे हैं, इनसे कहिए ना कि हम गौरी शंकर है। गौरी शंकर? हाँ। गौरी शंकर अपना नाटक बंद कर, वरना मार मार के तेरे को गौरी शंकर से काली शंकर बना दूंगा। बहुत परेशान कर दिया तूने। समझ गए हम। अरे समझ गए हम क्या आप हमारे बाप जी नहीं है? कोई और आदमी है आप? मैं तेरा बाप नहीं हूँ। नहीं, मैं उसकी शक्ल का दूसरा आदमी हूँ। हाँ। सुना मां? अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बुन्नू। अरे हम कोई बुन्नू फुन्नू मुन्नू नहीं, हमारा नाम गौरी शंकर है। ये घर में जो भी आता है पट्टे बुन्नू कहकर गले लग जाता है। और हाँ, हम सुने हैं कि शहर में लोग गले लगकर जेब काट लेते हैं। और बढ़िया, कहीं हमारी आंटी में से पैसा वैसा तो नहीं निकाल लिया? तनिक हाथ दिखाओ। तुमने दादी को चोर बोला? अरे मुझे मालूम है ना, इसे आदत है मजाक करने की। बेटे ये तो बता कि तू अब तक था कहाँ? हंडिया में। हंडिया में क्या पक रहा था? कदे चुप रहे। कभी गधा, कभी बैल, कभी थप्पड़। बापू जरा हमरे संग तमीज से बात कर। अच्छा, जरा मेरा बॉक्सिंग ग्लव लाना तो। अरे मुझे जरा तमीज से बात करनी है। नहीं नहीं साहब, खबरदार जो मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने मारा तो। तेरे बच्चे को जब तक दो चार हाथ लगाता नहीं उसकी अकल ठिकाने पे आती नहीं। अरे ओ बड़ो, पहली बार तो हम तो अपने बाबू जी समझ कर मार खा गए, मगर इस बार जो मारने का बात किया ना तो गौरी शंकर की खोपड़िया हिल हिला गई तो तुम पिल पिला जाओगे राजा। हम पिल पिला जाएंगे? हाँ। क्या करेगा? हम वो अपना मारेगा मुझको? अपने बाप को चाकू मारेगा क्या? अरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हमको कोई सेब खाने दो भाई। हाँ? एक तो सुबह से हम भूखे हैं। ऊपर हाँ? से ये दोनों देवियाँ हमको उठा कर ही आ ले आई। ऊपर से हमको किसी ने पानी तक अरे नहीं हाँ? ऊपर से ये हमको मार रहा है इसलिए हमको गुस्सा आएगा वहाँ। अरे वरना हम, अरे हम का अपने बाबूजी जैसे दिखने वाले आदमी के ऊपर कभी हाथ उठा सकेगा बाबूजी? अरे बुन्नू तू तो बाबूजी लगता है कि हमारे बच्चे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। हमारा बुन्नू बावला हो गया है, या तो इसकी याददाश्त चली गई है। हेलो हेलो सर, मैं जयचंद बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। जिस लड़के को हमने मार दिया था वो तो जिंदा है। वो लड़का जिंदा है? हाँ सर, लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। अगर आप कहें तो उसे खत्म कर। नहीं नहीं नहीं, जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन उस पर कड़ी नजर रखो, उसके जिंदा होने की खबर सुनते ही उसका भाई उसे मिलना जरूर आएगा। उसके बाद दोनों को साथ में खत्म कर दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? हत्या
लोगों की जानें लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर मकसद क्या है तुम लोगों का? चीफ मिनिस्टर, जिस दिन से तुम्हें यहाँ पर कैद कर रखा है उस दिन से तुम यही सवाल पूछ रहे हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा मकसद क्या है, क्योंकि कल हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जिस नटवर शाह को तुम लोगों ने बेहद टाइट सिक्योरिटी में कैद कर रखा है, वही नटवर शाह वहां से ठीक 11 बजे गायब कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद 12:45 बजे वो हमेशा हमेशा के लिए देश से फरार हो जाएगा। हैरत हुई चीफ मिनिस्टर साहब, हमारा जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनकर तुम्हारी कुर्सी पर बैठा है वो ये काम बड़ी आसानी के साथ कर देगा, और फिर उसके बाद जवाब तुम्हें देना पड़ेगा देश की जनता को कि नटवर शाह को कहां गायब कर दिया। नमस्कार। नमस्ते सर। सर, आपके जानलेवा 2 बार हमला हो चुका है, क्या आप बता सकते हैं इसमें किसका हाथ है? देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं, और फिर आप लोग तो जानते हैं कि हम अपने सख्त व्यवहार के लिए वैसे ही बदनाम हैं। हमें लगता है कि इन हमलों के पीछे किसी आतंकवादी गिरोह का हाथ है। लेकिन यह भी तो हो सकता है सर, इन सारी बातों का जिम्मेदार नटवर शाह ही हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम उनमें से नहीं है जो जान के डर से किसी भी तरह का कोई समझौता कर लें। खैर, नटवर शाह का मामला बहुत जल्द ही सुलझने वाला है। सर, उस हमले में आपकी पत्नी और आपके बच्चे की मृत्यु हो गई, क्या आप बता सकते हैं कि? नो फर्दर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, हमें अनाथ आश्रम की मदद के लिए सरकार से कुछ लोन की जरूरत है, अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे दस्तखत कर दें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा सारन, फोन इसलिए नहीं किया कि हो सकता है तुम्हारा फोन टैप किया जा रहा हो। हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। तेजेश्वर ने कहा कि कल ठीक 11 बजे तुम नटवर शाह को छुड़ाकर उसी जगह पहुंच जाना, अगर तुम्हारी तरफ से भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो अपने नकली दस्तखत कर देना। मेरा भाई कहाँ है? अरे हमजादी कहाँ है मेरा भाई? अंकल मुझे जाने दीजिए, वो औरत है। मैं आज तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, नहीं तो मेरी भूलने की आदत का फायदा उठाकर तू फिर से भाग जाएगा। मुन नहीं है, चल। आप जहाँ ले जाना चाहे ले चलिए मुझे, मगर पहले ये तो पढ़िए। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, पहले पुलिस स्टेशन चल। अंकल प्लीज, ये तो पढ़िए, प्लीज प्लीज पढ़िए। अंकल, आपने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, वरना आज मुझे बुन्नू का पता चल जाता। हाँ, फिकर मत कर मुन्नू, इंस्पेक्टर प्यारे मोहन तेरे साथ है, चल। अरे हम कितनी बार कह चुके हैं कि ना तो हमारा नाम बुन्नू है और ना ही हम किसी की नुन्नू है। अरे बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बोल तो तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। हाँ। एक बार मेरे बेटे मुन्नू का वारंट कैंसिल करा दे, एक बार कह दे कि तू मेरा बेटा है। अरे बेटे, तू गुस्सा थूक दे मेरे लाल, देख इसने गुस्से में आके कह दिया था कि तू इसका बेटा नहीं है, आज के बाद वो कभी तुझे घर से नहीं निकालेगा। मैं कहती हूँ। अरे आई जी, हम यही तो कह रहे हैं कि हमको घर से निकाल दो। ना ना, हमको घर से निकाल दो, और इनसे कहो कि ये गुस्से में रहा करें, क्योंकि ये गुस्से में सही बोलते हैं। अरे हम इनके बेटे ना ही है, ना ही है, ना ही है। इसकी बकवास सुन रही हूं मैं, इसका मुंह तोड़ के रख दो, समझा लो इसको। चोरी किए और बोलते हैं। अरे बेटे, काहे मुंह तोड़ देगा भाई, तू शांत रहे, मन पर मत ले। ठीक है ठीक है, अभी हम शांत है। बुन्नू, क्या बचपना है ये बुन्नू, तुम डैडी का गुस्सा मुझ पे और दादी पे क्यों निकाल रहे हो? हाँ। क्या गुनाह किया हमने, किस बात की सजा दे रहे हो तुम हमें? जानते हो जब से तुम गए हो क्या हाल है हमारा, एक एक दिन किस तरह गुजारा है हमने, कुछ खबर है तुम्हें? तुम्हें किसी के गम किसी के दुख कुछ दिखाई नहीं देते, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है और किसी के गम से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ना? अरे हमरा तो मतलब हर किसी के गम से है भाई, मगर हम खुद मुसीबत में है, तुम लोगन का मुसीबत कैसे दूर करें? हाँ,
अब आप मत रो, आप रोते हो तो हमको भी रोना आ रहा है। देखो आपको रोता देख के हमको हमारे चंद्रमुखी का याद आ रहा है। न जाने हमरे गम में हमरे जुदाई में उनका क्या हाल होएगा, वहां हो गए चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी। इलो खाना खाए। नहीं चाहिए मुझे खाना। अगर दो दिन भूखा रहूंगा तो कोई मर नहीं जाऊंगा मैं, मगर हाँ अगर तुम लोगों ने मुझे इसी तरह बांध के रखा तो वहां दूसरे बहुत सारे लोग मार दिए जाएंगे। कौन मरे ना मरे गौरी, मगर इसी तरह तुम बेरुखी बरतते रहे ना तो तुम्हारी चंद्रमुखी जरूर मर जाएगी। इतना भी गुस्सा कहाँ है हा? अरे जब हम तुम पर अपना कुत्ता छोड़ते थे तो तुम सारे गाँव में भागते फिरते थे। कुत्ता? हाँ, याद करने की कोशिश करो गौरी। याद है एक दिन तुम छत से हमारे घर में आन गिरे थे, सांप तुम्हारी धोती में घुस गया था और तुम कैसे हंसे थे। सांप मेरी धोती में घुस गया था और मैं हंस रहा था। देखो हम तो हर पाप बढ़त है, अगर हमसे कानू भूल चुक हो गई हो तो हमको माफी कर दो, मगर ऐसी चीज जलाने वाली बात ना ही करो, हमसे और बर्दाश्त नहीं हो गारी। आखिर कितना से हम लो, दो दिन से बांध कर हमें रखा हुआ है, जुल्म हम पर हो रहा है और कहती है कितना सहे हम। चंद्रमुखी तनिक हमारा हाथ तो खोलो ताकि हम खाना खा सके। तुम खाना खाओगे दबा के? भाग तो नहीं जाओगे ना? अरे हम नहीं भागेंगे, तुम जरा खोलो तो सही। खोलो रहने दो, रहने दो, हम खा लेंगे। अरे मेरी अम्मा अब मेरे सर पे खड़ी रहोगी क्या? अरे जाओ जाकर तनिक पानी वानी लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ। नहीं गौरी हम तुमको जाने नहीं देंगे। अरे हट गौरी। शादी तुझे से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझे से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं। तमन्ना जीवन की शादी तुझे से हूँ मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझे से हूँ मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं। ना तुझे जानो ना पहचानो क्यों तू गले पड़ी है, समझ के मुझको अपना दीवाना घेरे हुए खड़ी है। जानो ना पहचानो क्यों तू गले पड़ी है, समझ के मुझको अपना दीवाना घेरे हुए खड़ी है। तेरा ही धोखा ये कहना तेरे बिना मुझको नहीं रहना, तेरा वादा तेरा इरादा तुझको याद दिलाओ। शादी तुझे से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझे से हो मेरी चाहे शादी के
मन्ना जीवन की मैं चार तेरा ही पाओ, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। जो तूने बताया ना हो दुखी ओ चंद्रमुखी, तुझे छोड़ के कहीं ना जाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। एक तमन्ना जीवन की हो, तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। मेरे लाल तू ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं जानता तूने अपनी दादी को कितना सताया है। और बेटा ये जल्दी से ये धोती को अरे क्या कर रहे हो डैडी, ये बुन्नू का घर में नंगा घूमता रहा। अरे फिर वही मजाक, अरे अपने खुद के कपड़े पहन, कमीचे सब क्या चलते, कम से कम मुन्नू को उस मुसीबत से छुड़ा ले। हाँ चलिए चलिए, एक बार इस घर से बाहर तो निकले, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, और मुसीबत में तो वो लोग आएंगे जिन लोगों ने हमका मुसीबत में डाला है। अरे यार ये आदमी है या भूत, मार मार के हाथों की चमड़ी निकल रही, मगर ये तो कुछ बताता ही नहीं। बताएगा, सब कुछ बताएगा। अब तक तुम लोग पूछ रहे थे ना, अब इंस्पेक्टर प्यारे मोहन पूछेगा पुलिस वाला स्टाइल में। नो जल्दी बता, मैं भूल गया हूँ कि पूछना क्या है। ओह हो अंकल, चीफ मिनिस्टर कहाँ कह दे, यही पूछना है। बुन्नु अंकल मेरा भाई जिंदा, वो देखो मेरा भाई जिंदा अंकल। पहचान वाले चल बैठ, चुप चाप चला, अंदर हो जाओ, चलो जल्दी चलो। बुन्नू 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 अंकल जल्दी जल्दी, अंकल अंकल गाड़ी का पीछा कीजिए अंकल, कमर पर हरिया अंकल, जल्दी चलाइए अंकल। अरे फिकर मत कर बेटे, गाड़ी चलाने में इंस्पेक्टर प्यारे मोहन का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आगे देखकर चलाइए, शरीर संभाल लिया अंकल। आगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुन्नू मुन्नू मेरे भाई, तू कैसा है?
जानता है तुझसे और घरवालों से मिलने के लिए कितना बेचैन रहा मैं, कितना तड़पा हूं मैं। क्या बात है, तू परेशान क्यों? बुन्नू, बुन्नू अगर तू यहां है तो वो कौन था? कौन वो यार, अभी ये कौन है दूसरा? वही जो हसमुख के साथ था, बिल्कुल तेरी शक्ल का। हाँ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कोई और था। अरे 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 अंकल मुन्नू, हाँ? इसका मतलब वो गौरी शंकर था। गौरी? कौन गौरी? अरे वही गौरी शंकर यार, जिसकी वजह से मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। कहाँ हो? अरे उसे तो तेरे धोखे में उन लोगों ने अगवा करके रखा है, वही लोगों ने जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब पर हमला किया था। और मुन्नू साथ में डैडी और सारे घर वाले भी है। चमत्कार। लेकिन मिनिस्टर साहब को कहाँ छुपा कर रखा है, उस जगह का पता हमें मिल चुका है। मुझे तो लगता है शायद उनको और घर वालों को वही रखा होगा। अरे तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलो। गौरी, अरे क्या कर रहा है गौरी को? गौरी रुको, गौरी 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 रुक जा, गौरी चाचा। चंदा बिटिया चाचा, चाचा गौरी चाचा, कहाँ कहाँ रुको, उन्हें किसको छुट्टे हमारे गौरी को उठा के ले गए चाचा। क्यों मारा मैंने इसे? अरे सुनो मैं क्या, आप अरे क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ सबको छुड़ाने आए और आप बगीचे में टहल रहे हो? अरे यार मैं फिर से भूल गया, मरते मरते बच गए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर आप यहां से तुरंत चलिए, हम तुरंत चलिए आप यहां। मैं प्यारे इंस्पेक्टर प्यारे मोहन, आपको छुड़ाने के लिए मैंने इन दोनों का यहाँ लाया। मैंने सर, इन हरामजादों ने हमारे घरवालों को अगवा कर लिया है। सर तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। तुम लोग गाड़ी कितनी तेज चला सकते हो? गाड़ी मुन्नू, मुन्नू गाड़ी और तेज चला, अगर हमारा हम शक्ल वहां पहुंच गया तो गढ़ पर चाप लेकर निकल भागेगा। ऑफिसर नटवर शाह को फौरन दिल्ली शिफ्ट करना है। क्यों सर? इसलिए कि सीबीआई को रिपोर्ट मिली है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि तुम्हारी सिक्योरिटी से कुछ लोग बिक गए हैं। ये नटवर शाह कहां गया? तुम उसे कहां ले जाओगे मिस्टर सारंग? हा? तुम उसे छुड़ाने नहीं, खुद फंसने आए हो। वो देखो
सारंग, तेरे जुर्मों की सजा कानून तुझे देगा, मगर जो जुल्म तूने मुन्नू और बुन्नू पर किए हैं उनकी सजा ये तुझे खुद देंगे। सारंग, इन दोनों के हम पर बहुत एहसान है, इनके घर वालों को हम अपनी जान पर खेल कर भी छुड़ाएंगे। अब नटवर शाह को हम तेरे साथियों के पास लेकर जाएंगे और वो समझेंगे कि सारंग आया है। अरे सुनिए भाई साहब, ये सब हो का रहा है। नीतीश्वर, 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 दो लड़के चीफ मिनिस्टर को चुरा के ले गए। हेलो, आने दो सालों को। डायना, हमारे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, हो सकता है कि आने वाला हमारा सारंग, और यह भी हो सकता है कि आने वाला असली चीफ मिनिस्टर हो। तेजेश्वर, डर मत नटवर शाह, ये हम लोगों का पुराना खेल है। क्यों सारंग? अरे कमाल कर दिया इसने, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। अरे शक कैसे होगा, जिगर के छल्ले, असली चीफ मिनिस्टर लगता हूँ कि नहीं? अरे जब से तेरी प्लास्टिक सर्जरी की है ना, अरे दूसरे लोग तो क्या, हम लोग भी नहीं पहचान सके कि तू हमारे जिगर का छल्ला है या असली चीफ मिनिस्टर। ये ले, जब से तू चीफ मिनिस्टर बना है तेरे इन हाथों ने किसी का खून नहीं किया है, आज इनकी खुजली मिटा ले, मार डाल इनको। तुझसे गोली नहीं चलेगी चीफ मिनिस्टर। जाहिल गुंडों में फंस गया मैं।
आप फिर भूल गए? क्या भूल गया? कि डीसीपी भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। वो साला, ये भूलने की आदत मैं कब भूलूंगा। कितनी देर लगा दी? कम ऑन कैप्टन, गो हरी अप। अड्डी का बुरादा बनाने ने तुझसे कहा था जब तक तू जनता के एक एक पैसे का हिसाब नहीं बता देगा भागना तो दूर, हम तुझे मरने भी नहीं देंगे। गौरी, गौरी शंकर, बहुत मारा सपने हमको तूने। सॉरी सर, लेकिन क्या है कि ईमानदारी कितनी भी बेवकूफ हो आखिर एक दिन उसकी तरक्की जरूर होती है, और बेईमान कितनी भी चालाक हो एक दिन उसे जेल में जरूर जाना पड़ता है। आइए सर, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे मां, आज तो मेरे इन खोटे सिक्कों ने कमाल कर दिया। हाँ? रोज नकली मेडल खरीद के लाते थे, आज तो असली मेडल पा लिया इन लोगों ने। माँ, अब पता चला पोते किसके हैं आखिर? तेरे माँ, तेरे। कमीनो। जी सर। अरे मेरी भी तो सिफारिश करो, मैंने भी तुम्हारे साथ कम पापड़ नहीं बेले हैं। प्यारे मोहन जी। यस सर। हमने सुन लिया। थैंक यू सर। आज से आप इंस्पेक्टर नहीं फिर सर, बल्कि कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिए। मुबारक हो प्यारे जी। अनुराधा जी, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या 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 कहना चाहता? यही कि हम दोनों में से कुर्बानी देगा कौन? हाँ? ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। ओ काले कुर्ते वाली।
वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए, होए होए, होए होए, हाय हाय।